हेलो एवरीवन, दिस इज अनिरुद्ध वालिया और आप लोगों के लिए इस वीडियो में लाया हूँ। आज तक जितना भी यूट्यूब पे मैंने वालिया का जुगाड़ बताया है, सारा का सारा एक सिंगल वीडियो के अंदर, यानी ये पूरी वीडियो आपके लिए इसमें क्या है, वालिया का जुगाड़, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ट्रिक्स की पूरी वीडियो है। वीडियो को पूरा एंड तक देखना और सारी ट्रिक्स को सीख लेना और आपके नीट एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होने वाली है। सेकेंड चीज, आप लोगों को नीट 2020 के लिए बेस्ट विशेज और इस वीडियो को पूरा देखिए और आनंद उठाएं। आइए तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हेलो एवरीवन, दिस इज अनिरुद्ध वालिया एंड वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, वालिया के जुगाड़ में अब की बार कुछ ऐसा इनऑर्गेनिक का जुगाड़ जो आपको शायद पहले ना सुना हो ना देखा हो। पी पाई एंड पी पाई डी पाई बॉन्ड कैलकुलेशन, किसी स्ट्रक्चर में कितने हैं पी पाई या कितने हैं पी पाई या पी पाई डी पाई, कैसे पहचाने, अगले 10 मिनट मुझे दे दीजिए और ये क्वेश्चन आने वाला आपका नीट एग्जाम में या जेई एग्जाम में शानदार तरीके से क्लियर हो जाएगा। क्या सर ये बहुत आसान जुगाड़ है? अरे भरोसा रखते हो तो आ जाओ बच्चों, फटाफट से स्टार्ट करते हैं ओनली ऑन माय यूट्यूब चैनल। मान लो मैं छोटा सा कंपाउंड लेता हूँ, छोटा सा मॉलिक्यूल लेता हूँ। लेट्स से मैंने पहला मॉलिक्यूल लिया SO2, सल्फर डाइऑक्साइड की बात की, मैं इसकी स्ट्रक्चर बनाने की बात करता हूँ। सर स्ट्रक्चर कैसे बनाएं, हमें नहीं आता। अरे सुनो बच्चों, बहुत सिंपल, बहुत पेशेंटली मेरी बातों को सुनते जाना। सर सल्फर हमें पता है, हाँ सल्फर के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं क्योंकि ग्रुप 16 का एलिमेंट है, ठीक है सर। उसके साथ 2 ऑक्सीजन अटैच हैं, सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन थे। 2 ऑक्सीजन बोले, अरे हम तेरे साथ आना चाहते हैं पर हम तो बनाते हैं डबल बॉन्ड। अरे ठीक है, तो बन गया आपका SO2 का स्ट्रक्चर। देखना कैसे दोबारा बनाऊंगा। SO2 की बात करने जा रहा हूं, सल्फर सेंट्रल एटम, मैंने क्या किया, 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से कर दिए अटैच और एक लोन पेयर, ये बन गया अपना SO2 का स्ट्रक्चर। अब सुनना, सबसे पहले आप क्या करो, सबसे पहले सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन लिख लो, विच इज SP2, 2 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर, स्टेरिक नंबर 3, हाइब्रिडाइजेशन हमने लिख लिया सर SP2। अब क्या करें, सोचो बच्चों, ध्यान से मेरी बातों को सुनना बस। अब आप ये वाला सिग्मा बॉन्ड और ये लोन पेयर, ये तो हाइब्रिडाइजेशन में चले गए। हाँ सर, ये तो हाइब्रिडाइजेशन में चले गए। तो अब मैं कैसी बात कर सकता हूँ कि सल्फर के पास वैकेंट पी ऑर्बिटल भी होते हैं और थर्ड पीरियड का एलिमेंट है तो डी ऑर्बिटल भी होते हैं। प्लीज रिमेंबर, सेकेंड पीरियड एलिमेंट, जो भी सेकेंड पीरियड के एलिमेंट होंगे, दे डू नॉट हैव वैकेंट डी ऑर्बिटल उनके पास नहीं होते हैं, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। सोचो सर, ऑक्सीजन सेकेंड पीरियड का, यानी पी ऑर्बिटल तो है। हाँ पी ऑर्बिटल तो है। अब सुनना सर, हमारे पास क्या ऑप्शन था, हमारे पास पाई बॉन्ड बनाने की बात करनी है। कितने पाई बॉन्ड बन रहे हैं सर? 2 पाई बॉन्ड बन रहे हैं। सोचो, एक तो सल्फर का पी यूज हुआ होगा, क्यों? क्योंकि सल्फर का एक पी ऑर्बिटल खाली है ना। sp3 मैक्सिमम हो सकता था, हाँ सर sp3 मैक्सिमम हो सकता था, एक पी ऑर्बिटल खाली है तो एक सल्फर का पी और एक ऑक्सीजन का मिलके पी पाई बॉन्ड बना रहा होगा। तो मैं लिख दूं पी पाई बॉन्ड कितने हो गए, 1। अब सल्फर का एक पी ऑर्बिटल भी खत्म, हाँ सर सल्फर का एक पी ऑर्बिटल भी खत्म। अब अगला पाई बॉन्ड बनाना है, कैसे बनाऊंगा? अरे सर, ऑक्सीजन का तो पी ही यूज हो रहा होगा बट सल्फर का तो डी बाकी है, तो अगला पी पाई डी पाई बॉन्ड बन जाएगा, विच इज 1। 2 पाई बॉन्ड बनाने थे स्ट्रक्चर में, 2 पाई बॉन्ड बनाने थे, पहले हाइब्रिडाइजेशन लिख लो, उसके बाद जो पाई बॉन्ड्स बच रहे हैं, बन रहे हैं, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप क्या करो यार, चेक कर लो कि कैसे कैसे बने होंगे। दोबारा से बताना चाहूंगा, दोबारा से सुनना एक बार मेरी बातों को, ध्यान से, आनंद आएगा सर, टेंशन मत करो, आनंद आएगा। सर हमें यहां तक समझ में आ गया कि सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन जो था वो sp2 था यार। हाँ तो बच्चों सोचो, सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन sp2 था, सल्फर के पास 3 p ऑर्बिटल रहते हैं, हमने पास पता है एक p ऑर्बिटल अभी बचा हुआ है, तो वो क्या करेगा, ये पी पाई, सर दो ऑप्शन है, पी पाई, एक यहां तो पाई और यहां डी पाई। अब सोचो, ये तो ऑक्सीजन का फिक्स हो गया, ऑक्सीजन के लिए एक बार एक सल्फर का p ऑर्बिटल बच रहा है, कौन बॉन्ड बना लिया, पाई, एक डी, पी तो तीनों खत्म, अब डी बनने की बात करूंगा तो एक डी ऑर्बिटल से पाई बॉन्ड बन रहा होगा, दिखता है क्या सबको, बोलो हाँ या ना? हाँ सर दिख जाएगा। आइए तो अगले स्ट्रक्चर की बात करते हैं बच्चों, SO3। अरे सर SO3 का स्ट्रक्चर, अरे सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन थे,
तीनों के तीनों ऑक्सीजन मिलके डबल बॉन्ड के साथ SO3 बना लिया। सर यहां पर भी सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, सिग्मा बॉन्ड ने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर लिया। पाई बॉन्ड कितने? सर पाई बॉन्ड तो तीन है, ऑक्सीजन का तो पी यूज हो रहा होगा आपने बताया। सल्फर के पास क्या क्या है? सर अभी सल्फर के पास एक पी ऑर्बिटल खाली है और बाकी तो डी तो पांचों पांच खाली है। तो क्या मैं ऐसी बात कर सकता हूँ पहला पी पाई बॉन्ड कैसे बना होगा? सर एक सल्फर का पी और एक ऑक्सीजन का पी मिलके पाई बॉन्ड बनाया, कितना? एक। पी पाई डी पाई कितने? अरे सर ये तो फिर पी पाई डी पाई ही बने होंगे दोनों, क्योंकि सल्फर का पी तो खत्म। तो पी पाई कितना? एक। पी पाई डी पाई कितना? दो। चमकता है सबको, हाँ ना? अगला स्ट्रक्चर, अरे टेंशन मत करो सब चमकेगा, H2SO4। अरे सर ये कुछ खतरनाक लग रहा है। अरे कोई खतरनाक नहीं सल्फर, पहले सबसे पहले स्ट्रक्चर बना दो। अपन लोगों ने स्ट्रक्चर बनाया, दिखता है सबको। H2SO4 का स्ट्रक्चर बनाने के बाद सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन चेक करो। सर sp3 बताऊं क्या? सर बहुत सिंपल है, चार सिग्मा बॉन्ड sp3 हाइब्रिडाइजेशन। सर कुछ कुछ बच्चों के मन में ख्याल आ रहे हैं हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालना भी नहीं आता क्या? तो आपको एक बात बता देता हूं, मैंने अपने YouTube चैनल पे ही ट्रिक टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन का वीडियो अपलोड कर रखा है, तो आप उस वीडियो को देखते हुए भी काफी कुछ सीख सकते हैं। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आप उस वीडियो को देख लेना और ट्रिक टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन आपका क्लियर हो जाएगा। आइए तो बच्चों इसमें बात करते हैं। सर अब क्या करें? पाई बॉन्ड कितने? सर हमें पता है पी पाई या पी पाई डी पाई, हाँ बिल्कुल सही बात है। सर सल्फर के पास तो पी ऑर्बिटल ही नहीं बचे, क्योंकि तीनों के तीनों पी किसमें चले गए? हाइब्रिडाइजेशन में। पी तो है ही नहीं, डी है, तो जितने भी पाई बॉन्ड बन रहे होंगे वो खाली पी पाई डी पाई वाले होंगे। तो पी पाई कितना? जीरो। दो पाई बॉन्ड बने, कितना? पी पाई डी पाई से बनेंगे, कितना? दो पाई बॉन्ड, दिखता है सबको। अगला स्ट्रक्चर आओ, अरे टेंशन मत करो, H3PO4 में आ जाओ, स्ट्रक्चर बनाओ। फॉस्फोरस पांच बॉन्ड बना सकता था, फॉस्फोरस ने पांच बॉन्ड बनाए, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड और बाकी OH। फॉस्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा, चार सिग्मा, चार सिग्मा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन की बात कर सकता हूँ क्या मैं यहाँ पर? फॉस्फोरस sp3 है। अरे सर इन ऑक्सीजन के पास पाई बॉन्ड देखना है, पी पाई कितना? बता दो पी पाई कितना? अरे सर जीरो होगा ना, sp3 है, पी ऑर्बिटल ही खाली नहीं, तो जो पाई बॉन्ड बन रहा होगा वो डी वाला बनेगा, कितना? एक, दिखता है, क्योंकि ऑक्सीजन का तो पी यूज हो रहा होगा, सल्फर का पी हाइब्रिडाइजेशन में चला गया, डी बचा है, डी से बॉन्ड बन जाएगा। मजा आ गया सर, एक सवाल आप लोगों के लिए। S3O9 में टोटल नंबर ऑफ पी पाई टोटल नंबर ऑफ पी पाई और पी पाई डी पाई बता दीजिए, आनंद लूटिए। स्ट्रक्चर मैं आप लोगों के लिए बना देता हूं, दिस इज द स्ट्रक्चर, ये मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर स्ट्रक्चर बना दी है। आपको तो सिंपली इसका आंसर वीडियो में कमेंट करके बताना है, नंबर ऑफ पी पाई एंड पी पाई डी पाई, टोटल पी पाई वी पाई और पी पाई डी पाई कितने बॉन्ड्स हैं आपको बताना है। उम्मीद कर रहा हूँ आंसर बताएंगे, और ये शानदार ट्रिक अनिल दुधवालिया के द्वारा आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर जरूर पसंद आई होगी। एक सवाल आता है, इनऑर्गेनिक की और शानदार ट्रिक चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और आनंद लूटना बच्चों। और कौन सी किस पे ट्रिक चाहिए, वालिया का जुगाड़ आपके लिए हमेशा हाजिर है। पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना बच्चों, जो पढ़ना है और बता भी देना, हर चीज आपको मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंटायर वीडियो, बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। कोई भी टेंशन हो मुझसे शेयर करो, मुझसे बात कर सकते हो, और टेंशन नहीं लेने का लाइफ में, हमेशा स्माइल करते रहने का। आपके आंसर का मैं कमेंट का वेट कर रहा हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो सभी JEE एस्पिरेंट्स, नीट एस्पिरेंट्स को मेरी तरफ से उनके एग्जाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। सबको बहुत अच्छे से एग्जाम करना है, बिल्कुल भी टेंस नहीं होना एग्जाम के दौरान, स्टे कूल रहना है एग्जाम में। कोई क्वेश्चन ना भी आए तो भी उसको वहीं स्किप कर देना, ज़्यादा दिमाग बुद्धि नहीं लगाना, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ना, वरना पैनिक हो जाओगे मुझे क्वेश्चन क्यों नहीं आ रहा, फिर आगे के सारे क्वेश्चन सबके गलत होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है? बिल्कुल कूल रहना, एकदम जो होगा अच्छा ही होगा, बिल्कुल टेंशन नहीं करनी, ठीक है? तो आज मैं आपके साथ क्या लाया हूँ, ट्रिक टू फाइंड द पैरामैग्नेटिक और द डायमैग्नेटिक स्पीशीज इन जस्ट 10 सेकंड्स। देखो जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया कि 10 सेकंड में आपको पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक कोई भी स्पीशीज है या नहीं वो निकालना मैं बता दूंगा, ठीक है? देखो वैसे होता क्या है, पैरामैग्नेटिक कैसे निकालते हैं और डायमैग्नेटिक कैसे निकालते हैं, देखो MOT टेबल, MOT है जो अपने
उसमें फिलिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की, फिर चेक कर लेते हैं कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बच रहे हैं, मतलब जीरो नहीं है तो पैरामैग्नेटिक और जीरो है तो डायमैग्नेटिक। बहुत लंबा चौड़ा काम होता है, आधी दुनिया होता है मोटी समझ में नहीं आती। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, इतना दिमाग बुद्धि नहीं लगाएंगे, अपन सीधा सा आसान सी ट्रिक करेंगे और 10 सेकेंड्स में निकाल देंगे। ठीक है, तो मैं बताता हूँ आपको ट्रिक। देखो तो करें स्टार्ट फिर। देखो ट्रिक क्या है, देखो सबसे पहले आपको कोई भी जैसे स्पीशीज दे रखी है उसमें चेक कर लो कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। यदि वो इलेक्ट्रॉन्स इवन आ जाएं तो स्पीशीज होगी डायमैग्नेटिक, यदि वो ओड आ जाएं तो होंगी पैरामैग्नेटिक। बस ये छोटी सी ट्रिक है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करो, इवन आते हैं तो डायमैग्नेटिक स्पीशीज होगी, ओड आते हैं तो पैरामैग्नेटिक। ठीक है, ये बात समझ। अभी मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल्स कराऊंगा जितने यहाँ पे लिख रखे हैं, क्लियर हो जाएगा सब कुछ। बस एक छोटी सी एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन क्या है, देखो जब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 या 16 हो, देखो 10 भी इवन नंबर है और 16 भी इवन नंबर है, कायदे से तो क्या आना चाहिए, डायमैग्नेटिक क्योंकि इवन है। पर एक एक्सेप्शन क्या है, जब भी 10 और 16 नंबर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो स्पीसीज पैरामैग्नेटिक होगी। बस एक एक्सेप्शन है और कोई एक्सेप्शन नहीं। तो करें अपन अपनी प्रॉब्लम स्टार्ट। जितने भी यहाँ पे स्पीसीज दे रखी हैं सबका पैरामैग्नेटिक जस्ट 10 सेकेंड्स के, आप बहुत कम सेकेंड लगेंगे और सारे कैलकुलेट कर लेंगे अपन। चलो तो आपके साथ साथ अब करते हैं अपन स्टार्ट। देखो एक हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन, दो हैं तो दो, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने, टू। टू कौन सा नंबर होता है, इवन, तो स्पीसीज कैसी होगी, डायमैग्नेटिक। H2+ एक निकल गया, मतलब एक स्पीसीज, देखो यहाँ पे टू इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे कितने, वन इलेक्ट्रॉन, वन कैसा नंबर है, ओड। ओड में स्पीसीज कैसी आएगी, पैरामैग्नेटिक। H2- एक इलेक्ट्रॉन आ गया, टू तो थे न्यूट्रल में और एक अनायन है तो कितने हो गए, थ्री इलेक्ट्रॉन, थ्री कैसा नंबर है, ओड, तो स्पीसीज कैसी होगी, पैरामैग्नेटिक। N2 देखो, एक N में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दो में कितने, एटॉमिक नंबर 7, N2 मतलब 14, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 14, 14 में कैसा होगा, 14 नंबर कैसा है, इवन, इवन के लिए स्पीसीज कैसी होगी, डायमैग्नेटिक। अब देखो N2-, 14 तो न्यूट्रल था, एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 15, 15 कैसी है, ओड, ओड की पैरा। अब देखो N2-2, 14 थे दो और आ गए, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 16। अब देखो 16 कैसा नंबर है, इवन, पर मैंने आपको बताया बस एक कायदे से याद रखना कि 16 और 10 वाला कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक। तो 16 में कैसा कर देंगे अपन, पैरा, डाया मत कर देना, बस ये याद रखना कि ओड वाले और 10 और 16 वाले सारे पैरामैग्नेटिक। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं N2+, देखो N पे N2 मतलब 14, प्लस मतलब एक कट गया, कितने बन गए, 13, 13 इलेक्ट्रॉन कैसे, 13 नंबर कैसे, ओड, ओड पे कैसी स्पीसीज होगी, पैरामैग्नेटिक। क्लियर, ये सारे एग्जांपल्स 10 सेकंड्स भी लग रहे हैं क्या आपको, नहीं लग रहे, बहुत आसान है। अब देखो आगे बढ़ते हैं अपन, अब देखो O2, O2 में कितने, ऑक्सीजन देख लो कितने होंगे, 8 2 16, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 ना, टोटल कितने होंगे, 16 इलेक्ट्रॉन। अब याद रखना 16 इवन है, बट एक एक्सेप्शन है, 16 और 10 वाले कैसे होंगे, पैरामैग्नेटिक स्पीसीज, तो O2 कैसी स्पीसीज होगी, पैरामैग्नेटिक। ये POD में लिख रहा हूँ, ध्यान से देखते हैं ना, डी डायमैग्नेटिक है, पी पैरामैग्नेटिक है। अब देखो O2+2, 16 थे न्यूट्रल में, प्लस 2 मतलब कटाएं, 2 निकल गए, तो 16 में से 2 निकल गए, मतलब 14 इलेक्ट्रॉन, 14 कैसा नंबर है, इवन, तो कैसी स्पीसीज होगी, डायमैग्नेटिक। O2+ देखो, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, मतलब 15 इलेक्ट्रॉन, 15 में स्पीसीज कैसी होगी, पैरामैग्नेटिक। O2-, न्यूट्रल पे 16 इलेक्ट्रॉन थे, एक आ गया, अनायन बन गया, कितने हो गए, 17 इलेक्ट्रॉन, 17 कैसा नंबर है, ओड, ओड पे कैसा, पैरामैग्नेटिक। अब देखो NO, नाइट्रोजन के 7, ऑक्सीजन के 8, टोटल कितने हो गए, 15, 15 कैसा नंबर है, ओड, स्पीसीज कैसी होगी, पैरामैग्नेटिक। अब देखो C2, कार्बन एटॉमिक नंबर 6, दो हैं तो 12 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 12 इलेक्ट्रॉन, नंबर कैसा है, नंबर कैसा है, इवन, इवन के लिए स्पीसीज कैसी होगी, ये डायमैग्नेटिक। अब देखो ये C2+2, न्यूट्रल पे कितने थे, 12, प्लस है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, तो कितने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बच गए इसके, 10 इलेक्ट्रॉन, 10 कैसा नंबर है, 10 कैसा नंबर है, इवन है, पर भैया ये मत भूलना कि 10 पे एक्सेप्शन है, वो कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक। तो C2+2 कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक। किसी को कुछ टाइम लगा ये सब करने में, कितनी आसान सी ये प्रॉब्लम थी, एक चीज़ याद रखनी थी, इवन पे डाया, ओड पे पैरा, और एक एक्सेप्शन थी 10 और 16 वाले, पैरामैग्नेटिक, खत्म। बस ये याद रख लिया, दुनिया भर की कोई प्रॉब्लम ले आना, सब सॉल्व हो जाएंगी। कितना आसान हो गया सिर्फ एक छोटी सी ये लॉजिक से, ये ट्रिक से। ठीक है, सबको समझ में आ गया उम्मीद है मेरे को, सब नोट कर लेना अपने, खुद से प्रैक्टिस भी एक बार करके देख लेना। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, और जब तक के लिए सभी वंस अगेन जी और मेडिकल एस्पिरेंट्स को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक फॉर देयर एग्जाम्स। ठीक है, तो ज़्यादा
टेंशन नहीं करनी, अब एग्जाम्स भी बहुत पास हैं, तो कुछ ज़्यादा नया टॉपिक मत स्टार्ट करना। जो चीज़ नहीं आती अब ठीक है, नहीं आती नहीं आती, अब ज़्यादा कुछ नया स्टार्ट करने लगोगे फिर कन्फ्यूज जाओगे, कुछ कुछ नई चीज़ें सामने आएंगी। तो जितना कर रखा है सही है, रिविज़न करो, बस मेरी तरफ से यही है। बेस्ट विशेज आपको, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज अपन बात करने वाले हैं कि ट्रिक फॉर द इनऑर्गेनिक रिएक्शंस। ठीक है, तो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको कुछ इनऑर्गेनिक रिएक्शंस दी थी, सल्फर डाइऑक्साइड की वाटर के साथ, ट्राइऑक्साइड की, N2O5 की वाटर के साथ रिएक्शंस, और प्रोडक्ट पूछे थे कि क्या क्या बनने वाले हैं। जिसने की बढ़िया, जिसने नहीं की कोई बात नहीं, आज मैं सबकी हेल्प करने आया हूँ। देखो, आपने देखा ही होगा कि इनऑर्गेनिक के रिएक्शंस को याद रख पाना एक बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग टास्क होता है। कितनी रिएक्शंस याद रखोगे यार, आगे इंसान ही तो है, कितनी ज़्यादा चीज़ें अपने दिमाग में घुसाएगा। तो यार हमें कोई एक ऐसा आइडिया दे दे कि कुछ रिएक्शंस हमारी कम हो जाएं, जो एक छोटे से आइडिया, छोटे से लॉजिक के पीछे सॉल्व हो जाएं बहुत सारी रिएक्शंस, तो हमारा काम आसान हो जाएगा। तो आज मैं आपसे वही बात करने आया हूँ। ठीक है, मैं आपको छोटा सा एक हिंट दूंगा, छोटा सा एक टॉपिक समझाऊंगा, जिसकी हेल्प से आप बहुत सारी रिएक्शंस इनऑर्गेनिक की कर सकते हो। ठीक है, एक सबसे पहली बात, मैंने एक लेक्चर डाला था ट्रिक फॉर फाइंडिंग द ऑक्सीडेशन नंबर, उस लेक्चर का इसमें थोड़ा सा यूज़ आएगा। मतलब आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आना चाहिए, जिसको नहीं आता पहले आप वो लेक्चर देख लो, ऑक्सीडेशन नंबर सीख लो, आपको काम इस लेक्चर के लिए बहुत आसान हो जाएगा, और जिसको आता है वो तो वेल एंड गुड है ही उसके लिए। तो आज अपन सीखते हैं। ठीक है, अभी आप तीनों रिएक्शन आप फटाफट खुद ही बता दोगे। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। देखो, एक छोटा सा कंसेप्ट ये है इन बहुत सारे रिएक्शन को सॉल्व करने के लिए कि एनहाइड्राइड की वाटर के साथ रिएक्शन करवाने पे ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज नहीं होता, और एनहाइड्राइड जब भी वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो एसिड की फॉर्मेशन होती है। क्या होती है? एनहाइड्राइड जब भी वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो एसिड फॉर्मेशन करेगा। एनहाइड्राइड क्या? एन कंपाउंड दैट इज ऑब्टेन्ड बाय रिमूविंग एलिमेंट्स ऑफ द वाटर फ्रॉम ए पर्टिकुलर एसिड्स। एक कोई पर्टिकुलर एसिड से वाटर के एलिमेंट्स हम निकाल देते हैं तो जो चीज़ हमारे पास बचती है ना, दैट इज एनहाइड्राइड। क्लियर? एनहाइड्राइड क्या है? और एनहाइड्राइड की वाटर के साथ रिएक्शन करने पर एसिड बनता है, और जो एसिड का ऑक्सीडेशन नंबर होगा वही एनहाइड्राइड का ऑक्सीडेशन नंबर होगा। बस एक ही की पॉइंट है, आप इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी इनऑर्गेनिक रिएक्शंस चुटकियों में सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक और बात, आपको थोड़ा बहुत एसिड्स का नॉलेज होना चाहिए कि उस एलिमेंट के कौन कौन से इंपॉर्टेंट एसिड्स हैं, कौन कौन से एसिड्स वो बनाता है, उनके ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। ठीक है, बस ये दो पॉइंट से आप बहुत सारी रिएक्शन सॉल्व कर पाएंगे। करें अपन स्टार्ट, चलो करते हैं। अब देखो सबसे पहले मैं आपसे पूछ लूँ कि ये Cl2O3 बहुत सारे कंपाउंड वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या प्रोडक्ट बनाएंगे। आप यार चलो एक रिएक्शन याद रख पाओगे, दो याद रख पाओगे, तीन, चार, अब ऐसी बहुत सारी रिएक्शन होती है, कितने रिएक्शन याद रखोगे यार? तो कोई प्रॉब्लम नहीं है याद रखने की, कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ क्लोरीन के मेन एसिड्स क्या क्या होते हैं। HClO4, HClO3, HClO2 और HClO, ये मेन एसिड्स होते हैं क्लोरीन की। अब सबके ऑक्सीडेशन नंबर लिख लेता हूँ फटाफट। देखो, HClO4 पे +7, HClO3 पे +5, HClO2 पे +3 एंड HClO पे +1। मैंने इन सब के ऑक्सीडेशन नंबर लिख लिए। ठीक है, अब मैं इस साइड भी क्लोरीन पे जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो लिख लेता हूँ। अब देखो, 2 है तो ये +1 हो गया, 3 2 6, देन +3, 5 2 10, +5, 7 2 14, +7 एंड दिस इज +6। ये मैं कैसे लिख पा रहा हूँ? क्योंकि मैंने वो लेक्चर, मुझे पता है, मैंने डाला था आपको ऑक्सीडेशन नंबर का, जिसको ये ऑक्सीडेशन नंबर लिखने में प्रॉब्लम है, आप वो लेक्चर देखिए, सारी ऑक्सीडेशन नंबर आप सीख जाओगे, उसके बाद आप इस लेक्चर पे आ जाइए। ठीक है, तो देखो, और मेरा की पॉइंट क्या था इन सारे रिएक्शन को प्रोडक्ट बनाने के लिए, कि एनहाइड्राइड की वाटर के साथ रिएक्शन करने पर ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज नहीं होता। अब +1 ऑक्सीडेशन नंबर वाला कौन सा एसिड बनाएगा? ये एक एनहाइड्राइड है Cl2O, वाटर के साथ रिएक्ट करके एक एसिड बनाएगा, तो इनमें से कौन सा क्लोरीन का एसिड बनेगा जिसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा? इनमें से किसका +1 है? HClO का। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा, जो एसिड बनेगा, वो HClO बनेगा। इसी तरह Cl2O3 यहाँ वाटर के साथ रिएक्ट करके कौन सा एसिड बनाएगा? वो एसिड बनाएगा जिसका ऑक्सीडेशन नंबर भी +3 होगा। तो इस एनहाइड्राइड का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? +3। तो एसिड भी कौन सा वाला बनेगा जिसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 होगा? तो इधर क्या बनेगा? HClO2, सेम +5 वाला +5 बनाएगा, दैट इज HClO3। +7 वाला अगेन +7 वाला एसिड बनाएगा HClO4। ठीक है भाई, ये बात तो मेरे पास समझ में आ गई इन चारों को
कि ये मेन एसिड्स थे, उनके कॉरस्पॉन्डिंग ये मैंने एसिड बना लिए, ठीक है। अब देखो Cl O3 + 6, क्लोरीन का कोई एक ऐसा मेन एसिड होता ही नहीं जो +6 ऑक्सीडेशन एग्जिबिट करता है, ऐसा कोई एसिड बनता ही नहीं, तो क्या करेंगे, दिक्कत होगी? कोई दिक्कत नहीं, काउंटिंग तो आती है ना, 6 से पहले क्या आता है 5 और 6 के बाद क्या आता है 7, तो दो एसिड बना दो, एक एसिड इसके प्लस वाला ऑक्सीडेशन नंबर का, एक माइनस वाले ऑक्सीडेशन नंबर का, दैट इज Cl O3 इज ए मिक्स एनहाइड्राइड ऑफ +5 ऑक्सीडेशन नंबर एंड +7 ऑक्सीडेशन नंबर, तो दो ऑक्साइड बना दो जिसका एक तो +5 हो और एक +7 हो, तो बना देते हैं HClO3 एंड HClO4, यहाँ इसका ऑक्सीडेशन नंबर है +5 एंड यहाँ है +7, तो देखो ये क्या हो गया। अब मैं बोल दूँ कि Cl2O इज एन एनहाइड्राइड ऑफ HClO4, ये बात समझ में आती है, इसी तरह Cl2O3 से एनहाइड्राइड ऑफ HClO2, तो Cl O3 क्या बोलेंगे, इधर दो हैं, तो Cl O3 इज ए मिक्स एनहाइड्राइड ऑफ HClO3 एंड HClO4, ये मिक्स एनहाइड्राइड है। जब भी ऐसा ऑक्सीडेशन नंबर कोई अलग वाली चीज में आ जाए कि जो चीज है ही नहीं ऐसा ऑक्सीडेशन नंबर, तो क्या करो, एक ज्यादा वाला बना दो और एक कम वाला बना दो, क्लियर ये बात। आप कितनी सारी रिएक्शन कर सकते हैं, की पॉइंट क्या था कि एनहाइड्राइड के साथ वाटर की रिएक्शन करने पर ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज नहीं होगा, एंड दूसरा की पॉइंट क्या था कि उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको एसिड्स की नॉलेज होनी चाहिए, जब भी आप ये एसिड्स लिख पाएंगे उनके ऑक्सीडेशन नंबर बता पाएंगे एंड आप ये सारे बना पाएंगे, ठीक है, क्लियर ये बात। देखो और रिएक्शंस करते हैं, N2O3 वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, N2O5 क्या बनाएगा, NO2 क्या बनाएगा, ठीक है। अब देखो, अब मुझे अब ये रिएक्शन वापस मुझे कोई याद नहीं, कैसे याद रहेगा कोई बंदा, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें तो पता है ना। चलो सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिख लो, क्या इसका ऑक्सीडेशन नंबर, 3 2 6 तो कितना हो गया +3, 5 2 10 तो +5, NO2 तो +4, क्लियर। अब देखो नाइट्रोजन का एनहाइड्राइड है सारे, वाटर के साथ रिएक्ट करके नाइट्रोजन के एसिड बनाएंगे, तो हमें नाइट्रोजन के मेन एसिड्स का नॉलेज होना चाहिए, जो नाइट्रोजन के दो मेन एसिड्स होते हैं HNO3 नाइट्रिक एसिड और नाइट्रस एसिड HNO2, ठीक है। इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिख लेता हूँ 3 2 6 +5 2 4 +3, ये मैंने ऑक्सीडेशन नंबर लिख लिया। मैं इतनी फास्ट क्यों लिख पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे आती हैं और आपको भी आ जाएंगी यदि आप वो मेरा लेक्चर देख लोगे, कौन सा था वो, ट्रिक टू फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर बाय अनिरुद्ध वालिया, ठीक है। अब देखो एनहाइड्राइड की वाटर के साथ रिएक्शन करने पर क्या मिलेगा, मुझे एसिड मिलेगा, और वो एसिड भी कौन सा मिलेगा, सेम ऑक्सीडेशन नंबर वाला। अब देखो +3 है, तो यहाँ एसिड भी कौन सा मिलना चाहिए जिसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 हो, कौन सा है +3, HNO2 HNO2, +5 है तो ऑक्सीडेशन नंबर वाला कौन सा एसिड मिलेगा, +5 वाला, दैट इज HNO3, ठीक है। अब देखो NO2 वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, अब +4 का तो कोई होता ही नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक ज्यादा वाला बना दो और एक कम वाला बना दो, मतलब क्या, जब +4 का नहीं होता तो +3 वाला एक बना दो और +5 वाला बना दो, क्योंकि NO2 इज ए मिक्स एनहाइड्राइड ऑफ दैट एसिड्स, तो क्या कर देंगे HNO2 एंड HNO3, नाइट्रिक एसिड एंड नाइट्रस एसिड, ठीक है, तो बना दिया। अब देखो ये +3 वाला है और ये +5 वाला है, क्लियर। तो इसलिए कोई टेंशन नहीं लेना कि सर +4 का तो कोई मेन एसिड होता ही नहीं नाइट्रोजन का, फिर क्या करें, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक ज़्यादा वाला बना दो और एक कम वाला बना दो, ठीक है। अब अपनी जो प्रॉब्लम दी थी मैंने क्वेश्चन ऑफ द डे में, अब वो मैं डिस्कस कर लूँ आपसे, क्या था वो कि SO2 वाटर के साथ रिएक्ट करके बनाएगा सल्फर डाइऑक्साइड ट्राईऑक्साइड और N2O5 नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, ठीक है। तो अपन करें वो, अब देखो सल्फर की बात आ गई यहाँ पे, अब देखो सल्फर वही बात है ना, मेन एसिड्स आपको आइडिया होना चाहिए, सल्फर के मेन एसिड क्या होते हैं H2SO4 एंड H2SO3, ठीक है। पहले ऑक्सीडेशन नंबर लिख लूँ, क्या है +4 है एंड +6 है, पहले इन दो की बात कर रहा हूँ फर्स्ट टू की। अब ये दो मेन एसिड्स हैं, इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी आपको पता होना चाहिए और इसका भी, इसका होता है +6 एंड इसका होता है +4, कोई नहीं, +4 के साथ +4 वाला एसिड बनेगा, +6 के साथ +6 वाला, तो SO2 के साथ जब वाटर रिएक्ट करके कौन सा एसिड बनेगा H2SO3 एंड +6 के साथ वाला अगेन H2SO4। अब नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड की बात कर लें, N2O5 ऑक्सीडेशन नंबर +5, देन +5 वाली चीज बनेगी, दैट इज HNO3। देखो कितना आसान हो गया सिर्फ एक छोटे से की पॉइंट की हेल्प से, और ये क्या थी ना जो मैं आपको समझा रहा हूँ, ये एप्लीकेशन है ऑक्सीडेशन नंबर की, ठीक है। क्या थी ये, वापस एक बार देख लो आप, एनहाइड्राइड की वाटर के साथ रिएक्शन करने पे ऑक्सीडेशन नंबर में कभी चेंज नहीं होता, और एनहाइड्राइड और वाटर रिएक्ट करके एसिड देगा, क्लियर। अब देखो क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं,
या तो देखो डायरेक्ट रिएक्शन पूछ लेगा एग्जाम में, या क्या पूछेगा आपसे डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव पूछ लेगा पीएमटी वीएमटी में, क्या Cl2 इज एन एनहाइड्राइड ऑफ, चार ऑप्शंस दे दिए। अब यार बंदा सोच में पड़ जाएगा भाई कैसे करूं कैसे करूं, कोई प्रॉब्लम नहीं हमें तो पता है ना क्या कंसेप्ट है, क्या है ऑक्सीडेशन नंबर लिख लो कितना है +1, इन सब में लिख लो +1 +3 +5 +7। अब जिसने वीडियो देखी होगी ना वो तो एक मिनट में कर देगा, कैसे, क्योंकि उसको पता है क्या कंसेप्ट है, देखते ही आंसर कर देगा ए और वो नंबर पा जाएगा 4। और जिसने नहीं देखी होगी बेचारा सोच में पड़ेगा कि क्या करूं क्या ना करूं, ठीक है। तो इस छोटी सी हेल्प से अपन कितनी सारी इनऑर्गेनिक रिएक्शंस अपन कर चुके हैं, ठीक है। चलो अब और अच्छी वाली रिएक्शंस की प्रैक्टिस करते हैं कि कैसे इस एप्लीकेशन का यूज करके और बढ़िया वाली रिएक्शंस हम सॉल्व कर सकते हैं। देखो ये रिएक्शन क्या है, P2O3 की NaOH स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन करवाने पे क्या प्रोडक्ट बनेगा, P2O3 के कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाने पे क्या बनेगा, दैट रिएक्शन वाज आस्क्ड इन JEE मेंस 2013। अब यार अगेन इस रिएक्शन का प्रोडक्ट, या देखो दो बात होंगी, या तो जिस बंदे को इसका रिएक्शन का प्रोडक्ट पता होगा उसने तुरंत देख के लिख दिया होगा या डायरेक्ट टिक कर दिया होगा। अब जो बंदा है मेरे जैसा भाई, अब याद वाद रहता नहीं, ट्रिक व्रिक हमें पता भी नहीं, तो क्या करे, अनिरुद्ध वालिया की वीडियो देख रखी होगी उसने पर पेपर देने से पहले, तो खटाक से करेगा, कैसे करेगा मैं आपको बताता हूँ। देखो चलो एक छोटी सी बात बताना अभी मेरे को पहले, कि मैं लिख दूँ कि HCl plus NaOH gives, अब देखो ये क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड H plus Cl minus, ये क्या है स्ट्रॉन्ग बेस Na plus OH minus, अब देखो NaCl और ये क्या बन गया, ये क्या बन गया NaCl plus H2O, ये रिएक्शन बनी एसिड बेस रिएक्शन बनी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, सॉल्ट फॉर्मेशन है, HCl NaOH के साथ रिएक्ट करके NaCl वाटर बना रहा है, ठीक है। इसी तरह ये बेस है ये एनहाइड्राइड है, एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अब यार ये तो एनहाइड्राइड है तो मैं यहाँ से एसिड बना लूँ, इसका एसिड बना लूँ तो एसिड और बेस रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना लेंगे, बिल्कुल बना लेंगे सर। और सर हमें तो पता ही एनहाइड्राइड और वाटर रिएक्ट करके एसिड बनाएंगे। देखो सबसे पहले फर्स्ट रिएक्शन मैं ले रहा हूँ ए, दैट इज P2O3 प्लस NaOH, ठीक है। अब देखो सबसे पहले मैं P2O3 की बात कर लेता हूँ, H2O के साथ रिएक्ट करवाऊंगा। जब भी ऐसे एनहाइड्राइड आ जाएं तो क्या करना, आप मन के वाटर के साथ रिएक्ट कर लेना, मन के वाटर मतलब हमारी मर्जी हम कितना ही पानी डालें रिएक्शन करवाने के लिए, तो मन के वाटर के साथ इस रिएक्शन को प्रोसीड करो। अब वही बात आ गई, सर जी कैसे प्रोसीड करें, अरे भैया ऑक्सीडेशन नंबर फिर भूल गए क्या, 3 2 6 ऑक्सीडेशन नंबर +3, तो जो फॉस्फोरस का जो एसिड बनेगा वो भी +3 वाला बनेगा, दैट इज H3PO3। यहाँ देखो इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी क्या है +3, PO3 इज एन एनहाइड्राइड ऑफ H3PO3, ये बात सबको क्लियर, ठीक है। अब ये मेरे पास एसिड आ गया, ये क्या आ गया एसिड, और ये क्या है ना डाई बेसिक एसिड है, पढ़ा होगा अपने केमिकल बॉन्डिंग में, ये क्या है डाई बेसिक एसिड, डाई बेसिक एसिड मतलब दो एच इससे निकल सकते हैं, देखने में लग रहा होगा तीन निकल सकते हैं पर स्ट्रक्चर देखोगे ना तो दो निकलते हैं इससे, ठीक है। तो अब इस एसिड की मैं इस बेस के साथ रिएक्शन करवा दूं तो मेरे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो इस रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, करवा देते हैं तो क्या है H3PO3 plus NaOH, क्या मिलेगा, देखो दो ही हाइड्रोजन इस रिएक्शन से जाएंगे, इस H3PO3 से दो ही हाइड्रोजन जाएंगे तो दो सोडियम इसको रिप्लेस करेंगे, दैट इज Na2HPO3, दो हाइड्रोजन यहां से आए तो क्या बन जाएगा यहां से H2O। अब रिएक्शन बैलेंस करना चाहो तो कर लेना, जितने भी वाटर हैं रिएक्शन बैलेंस तो करना आता ही होगा, देख लेना हाइड्रोजन कितने और वो सब जो भी हैं, ठीक है। ये रिएक्शन समझने में किसी को दिक्कत, जब भी ऐसे एनहाइड्राइड आए उसको मन के वाटर, ये क्या है मन के वाटर लिख देता हूँ मैं, भूल जाओ तो आपकी मर्जी भैया कितना ही पानी डालो, मन के वाटर, मन के वाटर मतलब अपनी मर्जी से पानी डाल लो भैया कोई दिक्कत नहीं, एनहाइड्रेट की मन के वाटर के साथ रिएक्शन करवाओ, एसिड बनाओ, देन एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करके जो प्रोडक्ट बनना है वो बना दो, क्लियर ये बात सबको क्लियर। अब देखो ये वाली रिएक्शन कर ले P2O3 और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, क्या प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। देखो हमें पता है इसको मन के वाटर के साथ रिएक्ट करके कि मैं H2O डाल दूं तो इसमें क्या बनेगा H3PO3, सेम वो वाला, अभी डाई बेसिक है तो कैसे होगा, दो एच निकल गए तो HPO3
थ्री माइनस टू ये बना ना, इससे दो एच निकल गए तो, और इससे क्या बनेगा, सी ए प्लस टू और ओ एच माइनस टू एच माइनस, यही तो है। तो माइनस और प्लस वाला जब मिल जाएगा तो क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, सी ए एच पी ओ थ्री। यहां तक ये बात किसी को समझने में दिक्कत, और प्लस क्या बनेगा, वाटर। अब रिएक्शन तो बैलेंस कर ही लेना, टू और थ्री जो भी हाइड्रोजन है, एच कितने और वो कितने, क्लियर। ये रिएक्शन समझने में किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो जाने से पहले वही अपना काम, नेक्स्ट वीडियो के लिए अपना टॉपिक क्या है, अब देखो क्वेश्चन क्या है आपके लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिव पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट, ये चार कंपाउंड, तीन कंपाउंड मैंने आपको दिए, आपको मेरे को नेक्स्ट लेक्चर तक से पहले ये बताना है कि कौन कौन सा कंपाउंड आयोडोफॉर्म टेस्ट शो करेगा, कौन सा नहीं करेगा, ठीक है। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, बाय। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनिरुद्ध वालिया यूट्यूब चैनल। अब तक आप वालिया सर से वालिया का जुगाड़ सीखते आए हैं, आज मैं आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक ट्रिक बताने वाली हूँ जो जेई और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इम्पोर्टेंट है। अगले 5 मिनट ध्यान से सुने और जेई मेंस में आए क्वेश्चन को आसानी से आप कर पाएंगे। चलो अब स्टार्ट करते हैं ट्रिक फॉर सिलिकेट। तो आपने बहुत सारी बुक्स में देखे होंगे सिलिकेट्स के स्ट्रक्चर, जो कि काफी बड़े बड़े और काफी बेकार होते हैं। इससे आप नहीं आइडेंटिफाई कर सकते कि वो कौन सा सिलिकेट है। तो मैं आज आपको एक जनरल फॉर्मूला बताने वाली हूँ जिसकी हेल्प से आप जान पाएंगे वो सिलिकेट कौन सा है। जनरल फॉर्मूला टू फाइंड सिलिकेट इज SiO4 n/2 − 4+n, वेयर n इज नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम शेयर्ड और −4+n है चार्ज ऑन सिलिकेट यूनिट। अब हम डिफरेंट डिफरेंट n की वैल्यूज डालेंगे और उससे हम पता चलेगा वो किस सिलिकेट को रिप्रेजेंट करता है। तो अब हम उस n की अलग अलग वैल्यू डालेंगे उस फॉर्मूले में और फाइंड आउट करेंगे कि वो कौन सा सिलिकेट है। तो n इक्वल्स टू जीरो पे क्या फॉर्मूला होगा, SiO4 − 0/2 − 4+0, 0/2 − 4+0। अब फॉर्मूला क्या हो गया, SiO4 4- जो कि होता है ऑर्थो सिलिकेट। अब हम n इक्वल टू 1 अगर उस फॉर्मूले में डालें तो क्या आएगा, SiO4 − 1/2 और चार्ज होगा −4+1। तो हम इसे जनरल कैसे लिख सकते हैं, SiO7/2 3-, तो 1 डाला तो क्या आया, SiO7/2 3-, सिंप्लीफाई किया हो गया Si2O7 6- का चार्ज जो कि होता है पायरोसिलिकेट। तो अब तक n इक्वल्स टू 0 और n इक्वल्स टू 1 की बात कर चुके थे, अब बात करते हैं अगर ऑक्सीजन एटम शेयर्ड है और उनका नंबर है 2 तो हम उसी फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। तो क्या होगा, SiO4 n की वैल्यू हो गई 2 तो हो गया −2/2 और चार्ज हो गया −4+n, n की वैल्यू है 2 चार्ज हो गया −2 का और सिलिकेट की यूनिट आ गई SiO3-। जब n होगा 2 तो इस सिलिकेट को हम बोलेंगे साइक्लिक सिलिकेट, ठीक। 3 और 4 की वैल्यू आप ऐसे ही अपने आप निकाल सकते हैं और इनकी जो जनरल यूनिट आएगी वो आएगी Si2O5 2- और n इक्वल्स टू 3 पे हम उसे बोलते हैं 2D या शीट सिलिकेट, और n इक्वल्स टू 4 पे जो हमारी वो सिलिकेट की यूनिट आएगी वो आएगी SiO2 और इसे हम बोलते हैं 3D सिलिकेट। इस चार्ट को आप फटाफट से अपनी नोटबुक में लिख लीजिए और फिर हम आपसे आगे बात करते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम ट्रिक सीख चुके हैं कैसे कैलकुलेट करनी है सिलिकेट की यूनिट, थ्योरी पार्ट हम अच्छे से हमारे कब्जे में है। तो अब हम जेई का क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। मुझे तो आपसे पूरी उम्मीद है कि आप इस टफ से क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर पाएंगे उस ट्रिक। ये जेई 2010 का जो क्वेश्चन है स्क्रीन पे, पहले आप खुद से ट्राई करें फिर मैं आपको बताती हूँ इसे कैसे निकालते हैं उसकी ट्रिक। तो जेई ने क्वेश्चन पूछा था, एन की वैल्यू निकालनी है गंदे से मॉलिक्यूल में BeNAl2Si6O18। तो हम
तो इस मॉलिक्यूल में जो सिलिकेट की यूनिट है हमने उसे लिख लिया, वो है Si6O18 और लेट इट में उसमें जो चार्ज है लेट इट बी वो है x माइनस। ठीक, तो अब इसकी जो स्मॉलेस्ट यूनिट होगी वो हम कैसे निकाल सकते हैं, इसको हम डिवाइड कर दें 6 से तो क्या होगी SiO3। और क्या ये चीज जानी पहचानी लग रही है? हाँ, जब हमने डाली थी n की वैल्यू 2 तो आया था फॉर्मूला SiO3 पे 2 माइनस जो कि होता है साइक्लिक सिलिकेट का। तो ये कैसा सिलिकेट है? ये कुछ भी नहीं, ये है साइक्लिक सिलिकेट। अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूं इसको 6 से तो क्या ये ऊपर वाली फॉर्म चीज जो है जो सिलिकेट है वो वापस मिल जाएगा? हाँ जी बिल्कुल मिल जाएगा। तो चार्ज कितने का हुआ इस पे? x का, यानी जो चार्ज है जो x की वैल्यू है प्यारे बच्चों वो है 12 माइनस। तो जो मेरा नेगेटिव चार्ज आया वो आया माइनस 12 का, तो यानी जो पॉजिटिव चार्ज है बेरिलियम और एल्यूमिनियम को कॉन्स्टिट्यूट करे वो कितना आना चाहिए? प्लस 12 का, क्योंकि एटम जो ये मॉलिक्यूल है पूरा का पूरा न्यूट्रल है। ठीक, तो बेरिलियम और एल्यूमिनियम को मिला के जो नेट चार्ज आना चाहिए वो आना चाहिए प्लस 12 का, क्योंकि जो मॉलिक्यूल है वो है न्यूट्रल। तो एल्यूमिनियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है या वो होती है 3, तो यानी हम इसी को कर सकते हैं 3 × 2, और बेरिलियम की क्या होती है 2, तो 2 × n, और ये कितने के बराबर होना चाहिए 12 के। तो 2n क्या होगा 12 माइनस 6, तो यहां से हमारी n की वैल्यू क्या आ गई? n की वैल्यू आ गई 6/2 जो कि है 3। तो जो कंपाउंड है उसका फॉर्मूला क्या हुआ? Be3Al2Si6O18। तो प्यारे बच्चों आपने बड़ी आसानी से कर लिया ये जेई का टफ सा सवाल आसानी से। जो मैंने पढ़ाया अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और कमेंट करें, और कमेंट सेक्शन में आप ये बता सकते हैं वो किसी और टॉपिक में डिफिकल्टी है तो मैं आपकी उसमें भी हेल्प कर सकती हूँ, और छोटी छोटी ट्रिक्स की हेल्प से आप वो क्वेश्चंस बता सकती हूँ। तो प्यारे बच्चों ऑल द बेस्ट फॉर जेई नीट, गॉड ब्लेस यू, कीप स्टडिंग, और प्लीज लाइक करें और कमेंट करें, और जो और आपको कुछ और टॉपिक्स पढ़ने हो तो प्लीज हमें बताएं। आपके बोर्ड्स जेई और नीट नीट के एग्जाम बहुत अच्छे जाए, और मेरी तरफ से आपको ढेर सारी विशेस। और प्यारे बच्चों कीप स्टडिंग, कीप वर्किंग हार्ड, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, दिस इज अनिरुद्ध वालिया। तो आज अपन इस लेसन में बात करने वाले हैं वो है ट्रिक टू फाइंड द बॉन्ड एंगल। भाई बॉन्ड एंगल के क्वेश्चंस अक्सर कंपटीशन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। कैसे? आपको एग्जामिनर 3-4 कंपाउंड्स दे देगा और फिर इसमें बॉन्ड एंगल कंपेयर करवाने के लिए बोलेगा। तो आज अपन देखते हैं कि बॉन्ड एंगल की जो भी सारी प्रॉब्लम्स बनती हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो अपन कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको बताता हूँ कि बॉन्ड एंगल की सारी प्रॉब्लम्स आपको कैसे सॉल्व करनी है। देखो सबसे पहले आपको दो चीजें पता होनी चाहिए। एक तो ये एक हल्का सा मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का आपके लिए ऑर्डर बनाया है। ये देखो लेफ्ट टू राइट, ये है एफ फ्लोरीन। फ्लोरीन का सबको पता है पूरा पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है। ये ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, लेफ्ट टू राइट ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज, और ये रफ ऑर्डर है। ठीक है, आप एक बार ये देख लीजिएगा। ठीक है, ये बात आपको पता लग गई। और दूसरी बात इंपॉर्टेंट क्या है कि ये पता होना चाहिए कि लोन पेयर, लोन पेयर में सबसे ज्यादा रिपल्शन होंगे एलपी एलपी, दैट इज लोन पेयर, देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर, एलपी बीपी, और सबसे कम रिपल्शन होंगे बॉन्ड पेयर में। ठीक है, तो ये एक ऑर्डर आपको एक हल्का सा आइडिया होना चाहिए। आज मुझे उम्मीद है कि ये दोनों ऑर्डर का आइडिया सबको हो गया होगा। अब चलो बात करते हैं कि इसके बाद क्या है। इसके बाद बहुत जरूरी चीज है, वो है हाइब्रिडाइजेशन। भाई हाइब्रिडाइजेशन सबको आनी चाहिए निकालनी। मेरे चैनल पे अनिरुद्ध वालिया के चैनल पे आपको एक वीडियो भी मिल जाएगी ट्रिक टू फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन बाय अनिरुद्ध वालिया। मेरी रिक्वेस्ट है जिसको हाइब्रिडाइजेशन वो ट्रिक निकाल उस ट्रिक की हेल्प से नहीं आती निकालनी तो एक बार आप वो देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद ये लेसन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। चलो एक बार मैं आपको रिवाइज भी करवा देता हूँ। देखो मैंने कंपाउंड लिया है सल्फर हेक्साफ्लोराइड SF6 का मैंने कंपाउंड लिया है। कैसे निकालते हैं हाइब्रिडाइजेशन? टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो, सल्फर के 6, 7 फ्लोरिन के, टोटल फ्लोरिन कितने हैं 6, तो 6 × 7 क्लियर, वो कितना हो गया टोटल 48। अब देखो 48 है, अब ये उसमें मैंने पूरा ट्रिक एक्सप्लेन कर रखा है कैसे करते हैं। मैं आपको यहाँ पे रफ आइडिया दे रहा हूँ फटाफट। देखो 8 से मैंने डिवाइड किया, यहाँ पे जो क्वेश्चन बन रहा है 8 से पूरा पूरा डिवाइड हो गया, क्वेश्चन कितना बन रहा है 6 आ रहा है, ये 6
6 का मतलब हो गया हाइब्रिडाइजेशन sp3d2। देखो विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स आप बहुत आसानी से ये हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर सकते हो। अब देखो लोन पेयर कैसे निकालते हैं, लोन पेयर की मैं आपको ट्रिक बता देता हूं। लोन पेयर की ट्रिक होती है कि जो भी आपका ये क्वेश्चन आया है, जो भी ये क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन माइनस सराउंडिंग एटम्स। देखो क्वेश्चन कितना है 6 लिख दिया मैंने, ठीक है। अब माइनस क्या करना है, सराउंडिंग एटम्स। देखो सराउंडिंग एटम्स क्या है, सल्फर के सराउंडिंग कितने एटम्स है, 6 फ्लोरीन है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 6, तो कितना हो गया 0। तो इस कंपाउंड में नंबर ऑफ लोन पेयर्स कितने हैं, 0, ठीक है। ये बात सबको क्लियर होगी कैसे लिखते हैं नंबर ऑफ लोन पेयर्स, ठीक है। अब मैं आपको एक बार ये फॉर्मूला लिख के दे देता हूँ कि लोन पेयर इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स माइनस सराउंडिंग एटम। अब आप आसानी से सराउंडिंग एटम्स लिख सकते हो, ठीक है। सराउंडिंग एटम्स को पता ही है बगल में कितने होंगे। देखो एग्जांपल दे दूं NH3 का, तो लोन पेयर उसमें कितने होंगे, 4। तो ये कहां से आया है, मैंने डिवाइड करा है। जिसको भी वीडियो नहीं देख रखी, आई अगेन रिक्वेस्ट टू यू कि वो वीडियो पक्का देखें। -3 क्या क्या है, सराउंडिंग एटम। NH3 के सराउंडिंग 3 हाइड्रोजन है, क्लियर। BCl3 की बात करूं तो 3 वो क्वेश्चन करके आया था जो पीछे में 6 आया है। अब 3 क्या है, सराउंडिंग एटम्स, तो ये मैंने 3 यहां लिख दिया, ठीक है। तो इस तरह से नंबर ऑफ लोन पेयर्स अपन आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। इस बात पे मैं क्यों फोकस कर रहा हूं, क्योंकि आगे ये चीज अपने को काम आने वाली है, ठीक है। तो अब बात करते हैं भैया जुगाड़ क्या है इसका फाइंड करने का। देखो तो जुगाड़ क्या है, अगेन वालिया का जुगाड़। बहुत सारे बच्चे लाइव सेशन में मेरे को रिक्वेस्ट भी की थी, सर वालिया के जुगाड़ और बताइए। तो चलो बात करते हैं। देखो सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन चेक करो। अब मुझे उम्मीद है हाइब्रिडाइजेशन सबने देख लिया होगा वीडियो, सबको निकालनी आ गई होगी। अब देखो दो केस बनेंगे, या तो उन कंपाउंड्स में हाइब्रिडाइजेशन सेम होगी या क्या होगी, डिफरेंट होगी। भैया जब डिफरेंट हुई, पहले केस लेते हैं कि जब हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट हुई। अब जब डिफरेंट होगी तो आपको देखते ही पता चल जाएगा। मान लो दो कंपाउंड है, एक का हाइब्रिडाइजेशन है sp और एक का है sp2। तो sp का मतलब पता है आपको, लीनियर शेप, मतलब ऐसे लीनियर शेप होगी। तो उसका एंगल कितना होगा बॉन्ड के बीच में, 180 डिग्री। और दूसरा क्या है sp2, तो उसका एंगल कितना होगा, 120 डिग्री। तो जिसमें हाइब्रिडाइजेशन कंपाउंड्स में डिफरेंट होगी तो आप देखते ही बता दोगे किसका हाइब्रिडाइजेशन ज्यादा है, उसमें बॉन्ड एंगल भी ज्यादा होगा। मतलब हाइब्रिडाइजेशन की हेल्प से आप बॉन्ड एंगल बता दोगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, 180 इस वाले का ज्यादा है। डिफरेंट वाले केस में तो बहुत आसानी से बता देते हैं, वो वाले क्वेश्चन पूछता ही नहीं एग्जामिनर। एग्जामिनर क्या पूछेगा, जिसमें हाइब्रिडाइजेशन सेम होता है। अब देखो सेम के केस में क्या फंडा है, देखो सेम के केस में दो चीज होंगी, एक होगा लोन पेयर या तो जीरो होंगे उन सब में, या लोन पेयर प्रेजेंट होंगे। लोन पेयर जीरो मतलब लोन पेयर अब्सेंट। भाई जब लोन पेयर अब्सेंट होगा, पहला केस देखते हैं, जब लोन पेयर अब्सेंट होगा, लोन पेयर अब्सेंट हुआ और उस कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन सबकी सेम है, इट मींस सबके बॉन्ड एंगल होंगे बराबर, ठीक है। तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, तुरंत आपने हाइब्रिडाइजेशन निकाल ली, सबकी चेक कर ली, सेम है। लोन पेयर है नहीं, लोन पेयर निकालने का भी मैंने आपको जुगाड़ बता दिया। और अब क्या कर लोगे, तुरंत हाइब्रिडाइजेशन बॉन्ड एंगल आप कंपेयर कर लोगे, सबका सेम आएगा इक्वल। अब जब लोन पेयर प्रेजेंट है, मान लो किसी में एक लोन पेयर प्रेजेंट है, किसी में दो है, किसी में एक भी नहीं है, तो उनमें कैसे बॉन्ड एंगल कंपेयर करना है, वो आज अपन बात करेंगे, तब मजा आएगा। ये वाला असली चीज है, इस पे क्वेश्चंस बनते हैं, वो मैं आपको प्रैक्टिस करवाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो वन बाय वन अपन प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करते हैं ताकि ये वाला फंडा आपका क्लियर हो जाए। देखो BF3 और BCl3 मैंने कंपाउंड दिया, इन दोनों में बॉन्ड एंगल मुझे कंपेयर करना है। देखो BF3 और BCl3 दोनों का हाइब्रिडाइजेशन मैंने लिख दिया sp2। क्यों लिख दिया, क्योंकि मेरे को आती है, मैंने वो ट्रिक देख रखी है हाइब्रिडाइजेशन निकालने की। अब देखो दोनों में लोन पेयर होंगे ही नहीं, एक तो देखो ट्रिक से भी निकाल लो या वैसे निकाल लो। देखो बोरोन के पास 3 वैकेंट वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3 के साथ F3 बना रहा है, तो तीनों के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन यूज हो गया। सेम चीज BCl3 में, बोरोन के पास इधर 3 थे पर 3 क्लोरीन के साथ यूज हो गए, तो 0 लोन पेयर होंगे और दोनों का हाइब्रिडाइजेशन है बराबर, दैट इज sp2। तो दोनों का बॉन्ड एंगल भी कितना होगा, इक्वल, यानी 120 डिग्री। इसका बॉन्ड एंगल भी 120 डिग्री, ये भी 120, ये वाला भी 120, ये वाला भी 120। क्लियर हो गया, जब बॉन्ड एंगल कैसे कंपेयर कर लिया आपने फटाफट, हाइब्रिडाइजेशन चेक की, सेम आई, लोन पेयर है नहीं, इसका मतलब बॉन्ड एंगल होंगे सब में सेम। अगला एग्जांपल देखते हैं भैया, इसमें लोन पेयर पूछे जाएं आपसे, तो देखो उधर क्या होगा। मान लो सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड मैंने पूछा है, बॉन्ड एंगल कंपेयर करो। दोनों का हाइब्रिडाइजेशन मैंने निकाला sp2 sp3 तुरंत निकाल लिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इस कंपाउंड में लोन पेयर आते हैं 1, एक लोन पेयर होता है, ये एक लोन पेयर है, और SO3 में कोई भी लोन पेयर नहीं है। अब देखो यहाँ पे छोटी सी बात नोट करना, जब भी लोन पेयर आ जाए ना तो समझ लेना बॉन्ड एंगल डिक्रीज होगा। अब देखो यहाँ पे बॉन्ड एंगल, ये लोन पेयर है, इस बॉन्ड पे रिपेल मारेगा, यहाँ पे रिपेल मारेगा, इसको जब रिपेल मारेगा तो ये दोनों बॉन्ड्स पास आएंगे, जिसके कारण ये बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाता है। क्लियर, ये वाला बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाता है, ये वाली बात समझ में आ गई सबको। तो बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा होगा, जिसमें लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, इट मींस SO3 में। जब भी लोन पेयर आपको दिख जाए समझ लेना बॉन्ड एंगल कम होगा, क्लियर ये वाली बात। तो SO3 में बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। अगले एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं अपन। चलो ये अगेन मैंने कोई 4 कंपाउंड्स आपके लिए लिए हैं।
SiO4 minus PO3, PO4 minus 3, Cl4 minus SO4 minus 2। अब इनमें बोन एंगल्स कंपेयर करने हैं। अब देखो बोन एंगल कैसे कंपेयर करोगे, सबसे पहले सबका हाइब्रिडाइजेशन लिख लो। मैंने यहाँ पे लिख दिया ऑल हैविंग सेम हाइब्रिडाइजेशन। sp3 सबका हाइब्रिडाइजेशन होता है तो बोन एंगल भी होगा सेम। क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि इनमें किसी पे भी लोन पेयर नहीं है। जब भी लोन पेयर नहीं होगा, हाइब्रिडाइजेशन सेम होगा, तो सबका बोन एंगल कैसा होगा, बराबर। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ये वाला बोन एंगल इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर है, सब बोन एंगल आपस में बराबर है। क्लियर, हाइब्रिडाइजेशन निकालना आसान आना चाहिए, तभी आप प्रॉब्लम्स कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। क्लियर, तो अगली प्रॉब्लम और देखते हैं भैया, ताकि और अच्छा कंसेप्ट आपका क्लियर हो। तो अब देखो POF3 और PF3 में कंपेयर करना है। देखो मैंने यहाँ पे टारगेट बनाया है, स्ट्रक्चर देखो, इसमें बोन एंगल दिख रहा है, इसमें लोन पेयर दिख रहा है, सॉरी लोन पेयर इसमें दिख रहा है। जब भी लोन पेयर दिख जाए समझना रिपल्शन होगा, बोन एंगल डिक्रीज होगा, और इसमें कोई भी लोन पेयर नहीं दिख रहा, इसका मतलब बोन एंगल किसका ज्यादा है, ऑब्वियसली POF3 का ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू PF3। कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, जब भी लोन पेयर दिख जाए और एक में नहीं है, तो जिसमें नहीं है उसका बॉन्ड एंगल होगा ज्यादा। ये वाला फंडा सबको क्लियर, आगे बढ़े फिर अपन और प्रॉब्लम करते हैं। प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी होंगी, ठीक है। ये वाली प्रॉब्लम देखो, SOCl2 और SO2Cl2। अगेन देखो दोनों का स्ट्रक्चर मैंने बना रखा है आपके सामने। अब आपको मेरे को बताना है कि किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। देखो SOCl2 में सल्फर पे एक लोन पेयर है, SO2Cl2 में कोई भी लोन पेयर नहीं है, इट मींस किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। लोन पेयर होने के कारण बॉन्ड्स पे रिपल्शन आएगा, बॉन्ड्स पे रिपल्शन आएगा तो बॉन्ड्स के बीच का जो एंगल होगा, बॉन्ड का एंगल, वो डिक्रीज करेगा। यहाँ तो कोई ऐसे इलेक्ट्रॉन लोन पेयर है ही नहीं, तो कौन रिपल्शन मारेगा, कोई नहीं। तो नो डाउट SO2Cl2 का बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू SO2Cl2। क्या ये वाली बात सबको क्लियर हो गई, मुझे उम्मीद है अभी तक सबको क्लियर हो गया होगा बॉन्ड एंगल का फंडा। ऐसी प्रॉब्लम्स बार बार पूछी जाती हैं, अपन ने 5-6 प्रॉब्लम्स कर ली, मुझे उम्मीद है सबको ये वाली बात क्लियर हो गई होगी। तो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, ये बहुत जरूरी चीज है। अब जिस चीज को भी मेरी वीडियोस पसंद आती हैं और चाहते हो कि मैं बार बार डेली डेली वीडियोस डालता रहूं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे और बहुत सारी औसम वीडियो आपको मिलती रहे। अभी लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कि IIT JEE 2018 से पैटर्न चेंज हो गया है, ऑनलाइन एग्जाम होगा, तो इस तरह की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अवेयर रहने के लिए चैनल्स को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। और बस जुड़े नहीं और मस्ती करते नहीं, यही आपसे मैं विनती करता हूँ। तो बस कीप स्टडिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो एवरीवन, दिस इज अनिरुद्ध वालिया। यदि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के क्वेश्चन को करने में होती है दिक्कत, तो वीडियो आप लोगों के लिए ही बनी है, जहां मैं बात करने वाला हूँ वालिया के जुगाड़ के बारे में। दिस वीडियो विल टेल यू द सुपर ट्रिक टू सॉल्व सर्टेन टाइप ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स वाले क्वेश्चन। नाउ बिगिन विद अ वेरी 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 शॉर्ट ट्रिक, ओनली द वन थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर इन योर माइंड। सिंपली जो मैं बताने जा रहा हूँ, बस वो चीज को दिमाग में रख लेना। क्या है यार, लीगेंड की जो स्ट्रेंथ रहेगी, लीगेंड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। बस इतनी सी बात दिमाग में रख लो, हर सवाल सॉल्व हो जाएगा। सिर्फ 2-3 मिनट लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा। और सर हमें एनर्जी तो हमें पता है, क्या HC/λ या HN जो एटोमिक स्ट्रक्चर में पड़े हैं, तो मैं कैसी बात कर सकता हूँ। लीगेंड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। सर लीगेंड की स्ट्रेंथ ज्यादा तो एनर्जी ज्यादा तो वेवलेंथ कम। हाँ, बस इतनी सी बात दिमाग में रखते हुए हर सवाल सॉल्व हो जाएगा यार। सर अब हमें ये कौन बताएगा कि कौन लीगेंड ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन वीक, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको एक टेबल बता देता हूँ, जो आपको टेबल थोड़ा सा दिमाग में रखने का है। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के नाम से ये टेबल जाना जाता है, ध्यान से इस टेबल को ऑब्जर्व करना। कार्बोनिल बहुत बढ़िया लीगेंड, लेफ्ट टू राइट जाने पर लीगेंड की जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज कर रही है। लीगेंड स्ट्रेंथ लेफ्ट टू राइट जाने पर स्ट्रॉन्ग फिर लीगेंड्स अपने को मिलेंगे, लीगेंड स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। यानी कार्बोनिल एक बहुत अच्छा लीगेंड, फिर साइनाइड, फिर ये ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, NO2 माइनस, बाइपिराडीन, इथाइलिन डायमीन, अमाइन, UDTA, NCS और वाटर, इंक्लूडिंग एक बात याद रखना, वाटर और वाटर के बाद वाले, पानी और पानी के बाद वाले सारे वीक फील्ड लीगेंड है। यदि कोई पूछ भी ले तो वीक फील्ड लीगेंड, यानी इनकी लीगेंड स्ट्रेंथ क्या है, कम है। इन जनरल एक बात और याद रखना, कार्बन और नाइट्रोजन डोनर्स, कार्बन और नाइट्रोजन डोनर्स आर स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड, और ऑक्सीजन और हेलोजन डोनर्स आर वीक फील्ड लीगेंड। कार्बन और नाइट्रोजन डोनर स्ट्रॉन्ग फील्ड है और ऑक्सीजन हेलोजन डोनर्स वीक फील्ड है। इसी के लॉजिक पे आइए अब सवालों को स्टार्ट करते हैं। इतना सा था कॉन्सेप्ट, अब मैं एन नंबर ऑफ सवाल्स आपको करवाऊंगा, मतलब बहुत सारे सवाल्स करवाऊंगा। अब आपको सिंपली टेबल को बार बार देखना है और आंसर बताने की कोशिश करनी है।
पहला सवाल आप लोगों की स्क्रीन पर कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन एंटिटी शुड बी एक्सपेक्टेड टू अब्सॉर्ब लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी। सर लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी का मतलब है, लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी का मतलब है यानी एनर्जी भी कम, एनर्जी कम यानी लिगेंड की स्ट्रेंथ कम, यानी वीक फील्ड लिगेंड की बात कर रहा है। सर आपने इथाइलिन डायमीन, अमाइन, साइनाइड, सर ये तो सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में आ रहे थे, आपने कहा था ऑक्सीजन और हेलोजन्स वाले वीक फील्ड लिगेंड होंगे, तो क्या अपनों का आंसर टू हो जाएगा? कैसे? टेबल में देखो, टेबल में देखो, वापस टेबल की तरफ आओ भैया, दो मिनट का खेल है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल के वापस आते हैं, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखना, सी एन माइनस, देखो हेलोजन यहाँ पर आ रहा है सी एन, ये इथाइलिन डायमीन ये आगे आ गया, यानी सबसे लास्ट में आपको लिगेंड स्ट्रेंथ क्लोराइड की मिल रही है इन चार ऑप्शंस में। इन चार ऑप्शंस में आपको सबसे लास्ट में जब ये क्लोराइड मिल रहा है तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी? कम, क्योंकि इसकी एनर्जी क्या है? कम, क्योंकि लिगेंड स्ट्रेंथ क्या है? कम। बोलो है ना कि अपने को ये वाला सवाल क्लियर हुआ? क्या ये वाला सवाल क्लियर हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर कितना? सेकेंड, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में आप हर सवाल कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन फटाफट, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ इन द विजिबल रीजन। सर कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, यहाँ तो आंसर बताने की कोशिश करनी है फटाफट। अब देखो मैंने आपको बताया कार्बन और नाइट्रोजन डोनर्स तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ऑक्सीजन और हेलोजन कौन से हैं? वीक फील्ड लिगेंड है। सर यहाँ देखो ये तो ऑक्सीजन डोनर है, यहाँ नाइट्रोजन पे लोन पे डोनर है, या NO2। वेवलेंथ का ऑर्डर जो रहेगा, यदि वेवलेंथ इंक्रीज करेगी तो लिगेंड स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगी। हाँ तो आप तो ऑर्डर लिख लो, आपके पास तीन तरह के लिगेंड है, एक तो पानी है अमाइन है और NO2- है, आप तो यहाँ से ऑर्डर ढूंढ लो भैया किसका क्या ऑर्डर। सर यदि मैं लिगेंड स्ट्रेंथ की बात करूं, यदि मैं लिगेंड स्ट्रेंथ की बात करूं तो इस टेबल को देखते हो मुझे समझ में आ रहा है NO2- का लिगेंड स्ट्रेंथ ज्यादा, फिर NH3 का और फिर पानी, देखो ये रहा पानी, ये NH2, ये NH3 सॉरी। तो सर वेवलेंथ का ऑर्डर उल्टा आएगा, वेवलेंथ का ऑर्डर कुछ ऐसा आएगा। हाँ तो बस यानी आंसर है अपना, यानी वही आंसर है, सिर्फ एक बात फिर बोलना चाहूंगा, वही बात दिमाग में रखनी है कि क्या लिगेंड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सिंपली वेवलेंथ। तो आंसर बच्चों यहां से क्या आ जाएगा, क्या मैं आंसर फर्स्ट बोल दूंगा? क्योंकि NO2 का लिगेंड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा तो एनर्जी ज्यादा तो वेवलेंथ कम, बोलो है ना? हाँ सर ये वाली बात तो अपनों को चमक गई। अरे तो एक और सवाल कर लो, एक और सवाल कर लो, लगे हाथ एक और सवाल, जेई मेंस का पूछा हुआ सवाल है, जेई मेंस का पूछा हुआ सवाल है, थोड़ा सा अलग टाइप का सवाल देखना, बहुत आसान सवाल है। सर इन्होंने कुछ कुछ बोल रखा है, होमोलेप्टिक ऑक्टेटल कॉम्प्लेक्स M3 मोनोडेंटेट लिगेंड्स हैं L1 N2 L3 L4 और उनके कॉरस्पॉन्डिंग ये कलर ऑब्जर्व कर रहे हैं, लिगेंड स्ट्रेंथ का ऑर्डर बता देना है। सर यदि मेरे को वेवलेंथ का ऑर्डर पता लग जाए तो ठीक उसका उल्टा ऑर्डर मेरा आंसर होगा। हाँ देखो विजिबल रीजन में लाई कर रहे हैं तो यानी विब्रियो, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, वॉयलेट एंड ये येलो एंड ऑरेंज। लेफ्ट टू राइट जाने पर, लेफ्ट टू राइट जाने पर वेवलेंथ इंक्रीज करती है, करती है। सर आपके पास तीन लिगेंड्स हैं L1, L2 और L3। L1 वाले लिगेंड जो कलर एब्जॉर्ब कर रहा है वो ग्रीन वाला है, L2 में ब्लू वाला है और L3 में क्या है? रेड वाला है। अकॉर्डिंग टू द वेवलेंथ लिगेंड्स को अरेंज कर दो। सर वेवलेंथ के अकॉर्डिंग तो मैं ऐसी बात करूंगा, रेड की सबसे ज्यादा, फिर भैया ग्रीन की, फिर भैया ब्लू की। तो रेड के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा लिगेंड? L3, ग्रीन L1 और देन मैं क्या बात करूंगा सर? देन L2। अरे L3 L1 L2 इज द ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, पूछा किसका है? लिगेंड स्ट्रेंथ का ऑर्डर। जस्ट उल्टा कर दो प्यारे बच्चों, तो लिगेंड स्ट्रेंथ का ऑर्डर कुछ ऐसा आएगा, लिगेंड स्ट्रेंथ का ऑर्डर की बात करूं तो L2 ग्रेटर देन L1 ग्रेटर देन L3। बोलो है ना, क्या अपने को ऑप्शन दिख गया? बोलो। सिर्फ इतनी सी बातें अपने को करनी होती है और आंसर बताना होता है। हाँ सर हमें तो आंसर दिख गया, यानी फोर्थ वाला हमारा आंसर है। और बच्चों आपको जान के खुशी होगी ये क्वेश्चन और कुछ नहीं जेई मेन 2019 का पूछा हुआ सवाल है। विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स आप सवाल कर पाएंगे, कैसा भी सवाल पूछ ले। आई होप ये छोटा सा वीडियो आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के एक सर्टेन टाइप ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करने में जरूर मदद करेगा। और मैं ठीक हो चुका हूँ, मैं एकदम बढ़िया, आप लोगों की बेस्ट विशेस मिली, मैं फटाफट ठीक हो गया। कुछ टाइम से थोड़ा बीमार चल रहा था इसलिए वीडियो कंसिस्टेंट नहीं आ पा रही थी, बट आप लोगों के लिए निर्द्वाली के इस चैनल पे हर चीज वो आएगी। क्रैश कोर्स की बहुत सारी वीडियोस अपलोडेड हो चुकी है, आने वाले समय में और वीडियोस आपको मिलती रहेंगी, चाहे आप जेई की तैयारी कर रहे हो चाहे नीट की। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन बटन को प्रेस कर लेना, क्योंकि आपके पास नोटिफिकेशन
मिलती रहेगी। और प्यारे बच्चों अगली वीडियो कौन सा टॉपिक पे चाहिए, कुछ और वालिया का जुगाड़ चाहिए तो कमेंट ऑन द वीडियो, आई मेक द वीडियो। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर। Hello everyone, this is Anirudh Valia. Welcome to my YouTube channel. In this video, we are going to learn one of the easiest method to find out hybridization. Lot of students are requested to me to make the videos in English language. So on their demand, this lesson, this entire video will be in English language. So without wasting much more time, we start our lesson. Okay. If someone knows how to divide, he can easily figure out the hybridization. This is the one of the easiest method that I'm going to tell you. Let's start with very basic example. This is number 27. Let's say any number. If this is divided by 5, this is divisor. Whatever comes over there, this is quotient. And whatever comes at the last is the remainder. If someone knows how to divide, he can easily calculate the hybridization. Okay, so this is the basic. Now start with the very basic. I'm giving you one trick that is very useful. With no exception, you can calculate any compound. You can calculate the hybridization of any compound. Okay, first of all, this is the basic. This is the S subshell. This is P. This is D. Okay, in S, there are in every orbital, you can fill two electrons with opposite spin. Okay, S, one orbital. P, three orbitals. Px, Py, Pz. Similarly, in D, there are total 5 orbitals. Dxy, dyz, dxz, dx square minus y square, dz square. Okay, now start the trick. What is the trick behind this concept? So write down this important trick. What is this trick? There are the two steps to calculate any the hybridization of any compound. The first one is calculate the total valence electron. First of all, you have to calculate the total valence electron that I'm going to explain you in much more detail with the help of examples. After that, you have to see whether the total valence electrons, if they lies between 2 to 8, if they lies between 2 to 8, let's say the total number of valence electron we calculated is 6. So it means it lies in between 2 to 6, 2 to 8, then we have to divide by 2. If they lies between 8 to 56, total valence electron, if they lies between 8 to 56, then we have to divide it by 8. If the total valence electron comes out to be greater than 56, then we have to divide by 18. Just remember this two-step concept. You can solve majority of problems. You can solve all problems that I'm going to explain in other few minutes, in other couple of minutes. Okay, so I hope everyone made this chart or they have noted down in your notebook. So let's start with very basic example of methane. Okay, so first example is methane. In methane, that is CH4, atomic number 6. So whatever the valence electron, 2, 4. Okay, in the first cell, 2 electrons, second cell, 4 electrons. What about hydrogen, atomic number 1? Only 1 electron goes into the cell, total 1. So total valence electron, valence electrons means the outermost electrons, the number of electrons present in the outermost shell. Okay, so there is 1 carbon, it means total valence electron in 1 carbon is 4. So I have written 4. Now what about hydrogen? There are total 4 hydrogen. In 1 hydrogen, valence electron is 1 in 4, 4 into 1. So 4 plus 1 into 4, total valence electron we have calculated is 4. Okay, so we have calculated the total valence electron. Now this number lies between 2 to 8, as I have already explained to you in this video. As you can say, there is greater than equal to, greater than equal to, so 2 to 8 we have to divide by 2. Now the total valence electron comes in CH4, comes out to be 8. Now we have to divide by 2. Okay, the 8 should be divided by 2. We have to divide till we get the remainder 0. We have to divide till we get the remainder 0. So 2 is completely divisible, 8 is completely divisible by 2. We get the quotient as 4, whatever. Now remember this key point, whatever the quotient you are getting by division is the number of orbitals. So whatever the quotient you are getting is the number of orbitals. Here we are getting 4. 2 4s are 8, means 4 is the quotient. So 4 is the number of orbitals. It means 1s and 3p. We have to make in such a way. As I have already explained, there are total 1 orbital for the S, 3 orbitals for the P, and 5 for the D. So 1 4s and rest are 3. So sp3 would be the hybridization of methane. Okay, this is the hybridization of methane. This is the easiest method that you are watching on YouTube, on my channel, Anirudh Valia's channel. Okay, move on to the
Next example, I'll explain you lot of examples that not even a single question in your examination will come that you cannot solve. Okay, now move on to the next example, BeCl2, okay. Beryllium, atomic number 4, in the first orbital 2 electron goes, now the rest 2 electrons will go into the last shell. Okay, what about chlorine? Chlorine, atomic number 17, in the first shell 2 electron, next shell 8, now 2, 8, this is 2, 8, 10, total 17 means in the last shell total 7 electron goes. Okay, now calculate the total number of valence electron, total number of valence electron. In the last shell of beryllium, total number of valence electron will be 2, because it is B, only B. Now what about Cl2, in 1 Cl there are total 7 electrons, so what about 2 chlorine, in 2 chlorine 7 into 2, so 7 into 2 plus 2, that is 16. So total valence electron for BeCl2 is 16. Now divide the 16 by 2 or 8 or 18. 16 lies between 8 to 56, as I have already told to you in this chart. I think everyone have remembered this chart. 16 is lies between 8 to 56, then we have to divide by 8. Okay, so 16 we have to divide by 8 till we get the remainder 0. So 8 to the 16 completely divisible. So here we are getting the question as 2. 2 is nothing but the number of orbitals. It means 1 for S and 1 remaining for P. So SP would be the hybridization of BeCl2. I hope everyone is getting my point. I think they have solved this problem. Now move on to the next problem. It is very easy problem. BeCl2, boron trichloride is the name of this compound. Total valence electron for boron, total 13 group element, total 3 valence electron. Chlorine I have already calculated, 7 valence electron, total 3 chlorine, so 7 into 3 plus 3, 24. Okay, 24 is to be divided by 8 completely till the remainder is 0, so 3. Now as you got the quotient as 3, it means total number of orbitals would be 3. Total number of orbitals would be 3, it means the hybridization of this compound is sp2. Now see how I am written over there, sp2, 1 for s, now rest 2 is 4 to make the 3. So sp2 would be the hybridization of BeCl3. I hope everyone is getting my point. Now move on to the next example. Similarly, very basic example of ammonia, you can calculate easily. Now you can also calculate by your own. Total valence electron for the nitrogen group 15 element, 5 electrons in the valence shell, hydrogen 1 electron, total 3. Hydrogen is there, so 1 into 3, total valence electron would be 8. It should be divisible by 2 because 8 lies between 2 to 8. Completely divisible by 2. Quotient we are getting as S4. It means sp3 would be the hybridization of ammonia. I hope this is the easiest method that you are watching on Anirudh Walia's channel. Now, one of the major tricks that I am going to tell you is what? To calculate the lone pairs. In every year, whether it may be the exam of NEET or it may be the exam of IIT JEE, JEE Mains, every year definitely one question will be asked from this concept that I am going to explain you in another couple of minutes. And what is the concept? To figure out the number of lone pair. From the past 2 to 3 years, what NEET or IIT has been asked the questions on the concept of the lone pair. So for that particular question, I am going to explain you one awesome trick. And what is the trick? To calculate the lone pair. Lone pair is nothing but the number of orbitals. And number of orbitals that I have already told you is nothing but the quotient. To figure out lone pair, you have to subtract number. You have to subtract surrounding atoms from the number of orbitals. Now I'll explain you what is the surrounding atom and what is the number of orbitals. As I think everyone knows about the number of orbitals in the previous example, this is the quotient would be the number of orbitals, and surrounding atom is what I'll explain you through an example. Okay, let's say start with the very basic example. Lone pair equal to number of orbitals minus surrounding atom. Please note down, this is the most important trick that I have explained in this video. Very important. Every year one or two questions will be asked directly from this topic, and the examples that I have considered in the upcoming slides, they have already asked in the previous examinations. So there may be a chance these questions may come in the NEET exam or it may in the state PMT's exam. Okay, so start with the very basic example of ammonia. In ammonia, lone pair.
how you would calculate lone pair. This is LP lone pair. Number of orbitals for ammonia, I have already calculated the number of orbitals. You may ask, sir, how we have calculated number of orbitals? Oh, sir, okay, here you have already calculated. Yes, 4 would be the number of orbitals. That is the quotient. Okay, so 4 I have already calculated. Minus. Now, minus, what is surrounding atoms? So, for ammonia, for nitrogen, how many surrounding atoms are there? For nitrogen, there are total 3 hydrogen are surrounded. So, means surrounding atom would be 3. So, 4 minus 3 is 1. Okay, so in ammonia, total number of lone pair is 1. Okay, this is N. This is one lone pair. This is hydrogen. This is one hydrogen. And this is one hydrogen. This would be the structure of ammonia. And we have already calculated the hybridization. This year, they may ask the calculate the number of lone pairs. So you can easily calculate the number of lone pairs. Okay, now move on to the next example. BCl3. Total number of orbitals 3 I have already calculated. You can reverse go to the video and you can see this is the 3. And for the surrounding atoms in boron, total 3 chlorine atoms are surrounded. It means 3 surrounded atom is 3. So 3 minus 3 is 0. So in BCl3 boron trichloride, there is no surrounding atom. It means no lone pair. Okay, now come to the next example. This is SF6 sulfur hexafluoride. So total valence electron TVE is total valence electron. Sulfur belongs to the group 16, so total valence electron would be 6. Now fluorine, the total fluorine valence electron would be 7. And how many fluorine are there? Total 6 fluorine atoms are there. So 7 into 6. So 7 into 6 plus 6, the total would be 48. I hope everyone is getting my point. Now 48 lies between 8 to 56. So we have to divide it by 8. We have to divide it by 8 till we get the remainder 0. Okay, 7, 6 are 48. 6 would be the number of orbitals. So 6, how would we manage the hybridization? 1 for S, everyone knows. From P, there are maximum 3 possibilities, 3 orbitals. So sp3. So total 3 plus 1, 4 is there. Now we have to make it 6. Means 2 are left. So for 2, they would go for the d orbital. So sp3, d2. I hope everyone is getting my point. So sf6 hybridization is nothing but sp3, d2. I think everyone have calculated already. Now move on to the lone pair. How would we calculate the lone pair? Now this is the lone pair, number of orbitals minus surrounding atom. Number of lone pairs is what? This is 6. Now surrounding atoms in SF6 sulfur hexafluoride, surrounding atoms is also 6. So 6 minus 6 is 0. So it means number of lone pairs in SF6 is 0 and hybridization is sp3d2. I hope this example thoroughly, whatever I have given the instructions, you have already calculated through this. Now see the concept behind the one of the most important example. Now move on to the next example, xenon trioxide, XeO3. This is the very important, please try to understand, this is very important. Okay, total valence electron, first of all we will calculate the total valence electron. Xenon belongs to group 18, means total means for the xenon valence electron would be 8 plus oxygen. For one oxygen it would be 6. For 3, 6 into 3 plus 8, that means 26. 28 would be the total valence electron for XeO3, xenon trioxide. Now divide it to make the remainder 0. Now see how I have divided. Now see, step to step, it's 26. 8 threes are 24. Okay, divided by 24. Now what would be the remainder? It's 2. What I have said to you, divide till we get the remainder 0. So again divide 2 by 2. So we will get the remainder 0. Okay, we will get the remainder 0. Now see, as we have got the remainder 0, now add all the quotients. This is 3 and this is 1. So 3 plus 1 would be 4. 3 plus 1 would be 4. It means number of orbitals is 4. Now you can find out the hybridization for 4. Number of orbitals, the hybridization would be sp3. Okay, many of students did the mistake, they just divided by 3 and left the remainder
as 2 and they said to me, sir, it's 3, hybridization would be sp2 and you said it would be sp3, how it would become. So in this video I have explained this also. This is the concept. You have to divide till we get the remainder 0. Okay, I hope this point is clear. Till remainder 0. I'll explain one more example so that this concept would be more clear. So total 4 number of orbitals, hybridization would be sp3. Now move on to the another concept. What would be the lone pair? What would be the lone pair for this XCO3? This question has been asked by IIT JAE in 2012. Okay, so what would be the lone pair? Total number of orbitals is 4. Okay, I have written 4 over there. Now minus surrounding atom. Surrounding atom is how much? It's 3. So 4 minus 3. This 3 can I return over there? Okay. 4 minus 3 means 1. 4 minus 3 is 1. So in XCO3 the number of lone pairs is 1. This question is also asked by NEET examination and also by IITJ. So this is the very important concept. I'll explain you. I hope everyone can calculate this hybridization and total number of lone pairs NH4 plus. Okay, now see the concept. If I haven't written plus sign, only NH4. It means 5 plus 1 into 4 you can easily. Now plus sign. See the plus sign means cation is formed, one electron is lost from this compound, only then plus charge came on this compound. It means one electron is lost, minus means minus 1. So 5 plus 1 into 4, 9, minus 1, that is 8. Okay, 8. So you have to divide by 2 because it lies between 2 to 8. So 4 is the number of orbitals, means hybridization is sp4. Okay, hybridization concept clear. Now move on to the lone pair. What about the lone pair? Number of orbital is 4, surrounding atoms is also 4, so 4 minus 4 is 0. So NH4 plus number of lone pairs is 0, but in ammonia NH3 number of lone pairs is 1. Clear? Don't just mug up all these concepts. Try to focus and try to practice as much as you can. Okay, this is the last example of this video. Again, what very important example. Total valence electron is what? For xenon it should be 8, for oxygen it should be 6, for fluorine it's 7. But into 4, 7 into 4, so total valence electron comes out to be 42. Okay, now the number lies between 8 to 56, so we have to divide by 8. Okay, maximum 8 5s are 40. Okay, I have written 40 over there. Now many of students, what they did, they have just seen the number 5 and they have said, they said to me, sir, hybridization should be sp3d for XCOF4 and you said sp3d2. Now once again students, I'm what trying to say, divide till you get the remainder as 0. Okay, you get 2 over there. Now again divide 2 by 2 so that you can get the remainder 0. So 2 by 2 remainder 0, it means 2 ones are 2, so here 1 comes out to be. Now add the quotients, both quotients. 5 plus 1 is 6. So for 6, hybridization should be sp3 for s, maximum 1, for p, maximum 3, and d. 3 plus 1 is 4 and d2. So 4 to 6, sp3 d2 would be the hybridization of XCF4. Now you can calculate also the lone pair. 6 is the number of orbitals minus surrounding atoms. Surrounding atoms is 4 plus 1. 4 plus 1 is 5. 6 minus 4 plus 1 is 1. So the number of lone pairs in XCF4 is 1. I hope I am able to deliver my concepts that I have, and everyone now calculate the hybridization and number of lone pairs in a very easy manner. I hope everyone liked my video. So I would request to subscribe my channel and share your videos with your friends so that I can make lots of video for you. And if you have any doubt and you want to learn any concepts or you want any tricks, please comment through this video. I'll help you. I'll make another videos. I have already uploaded lots of videos. So best of luck for your examination. God bless you all. Thank you. हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपका दोस्त अनिल द्वालिया आपके साथ एक नई वीडियो शेयर कर रहा हूँ। आज अपन इस वीडियो में सीखेंगे कि किसी भी कंपाउंड में परोक्सी बॉन्ड या परोक्सी लिंकेज फाइंड करने की ट्रिक क्या है, ठीक है। और ये परोक्सी लिंकेज फाइंड करना किसी भी कंपाउंड में, ऐसे क्वेश्चंस अक्सर कंपटीशन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। मतलब आपको फ्रीक्वेंटली आप देखोगे कोई भी कंपटीशन एग्जाम का पेपर उठा के देख लेना, ये क्वेश्चन मतलब अक्सर पूछा जाता है कि आपको चार ऑप्शंस दे दिए और पूछ लिया, चार कंपाउंड दे दिए और पूछ लिया कि बताओ कौन से कंपाउंड में परोक्सी बॉन्ड होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो आज अपन इसकी एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक सीखेंगे। आओ सबसे पहले ये समझते हैं कि
परोक्सी बॉन्ड ये होता क्या है, इसका मतलब क्या होता है परोक्सी बॉन्ड का? देखो परोक्सी बॉन्ड का सीधा सा मतलब है ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड, उसको परोक्सी बॉन्ड कहते हैं। पर उसकी एक कंडीशन होती है, ये परोक्सी बॉन्ड होगा कब ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच का, जब ऑक्सीजन के अगल बगल के जो एटम्स हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम हो। जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन के अगल बगल ए और बी एलिमेंट है, इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम होनी चाहिए, और जब जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बनेगा उसको बोलते हैं परोक्सी बॉन्ड। तो परोक्सी बॉन्ड के लिए कंडीशन क्या हो गई, फॉर परोक्सी बॉन्ड द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए एंड बी मस्ट बी लेस देन ऑक्सीजन एटम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब तो समझ में आ रहा है ना, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींचने की टेंडेंसी। मतलब अब ए और बी की तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, मतलब उनकी टेंडेंसी खींचने की कम है, तो ऑक्सीजन ही खींचेगा इलेक्ट्रॉन ए और बी से। अब देखो एग्जांपल में जैसे एफ ओ ओ एफ, ये कोई भी कंपाउंड है, अब बोल दिया कि इसमें बता दो परोक्सी बॉन्ड है या नहीं। अब देखो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड तो दिख रहा है मेरे को, पर कंडीशन क्या है, ऑक्सीजन के अगल बगल के एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होनी चाहिए। बट हमें तो पता है फ्लोरीन है जो ये एफ, उसकी तो पूरी पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, तो ये परोक्सी बॉन्ड नहीं होगा। अगला एग्जांपल, अब देखो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड और अगल बगल लगा दिया हाइड्रोजन। अब हमें पता है हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम होती है, बिल्कुल, फिर ऑक्सीजन ऑक्सीजन के जो बीच में बॉन्ड है उसको बोलेंगे परोक्सी बॉन्ड। अब मुझे ये तो पता लग गया कि परोक्सी बॉन्ड होता क्या है, ठीक है, अब मैं ये देखता हूँ कि परोक्सी बॉन्ड फाइंड करने का जुगाड़ क्या है। तो मैं शुरू से बोल रहा हूँ ना ट्रिक सिखाऊंगा, वो ट्रिक क्या है, चलो तो अपन ट्रिक सीखते हैं। देखो ट्रिक क्या है, सबसे कोई भी कंपाउंड आपको गिवन है उसमें सबसे पहले सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कर दो, ठीक है, सब उस ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना तो बहुत आसान बात है, आपको आता ही है। दूसरी चीज क्या देखनी है, यदि ऑक्सीडेशन नंबर अजूल फजूल आ जाए तो समझ लेना कंपाउंड में परोक्सी बॉन्ड प्रेजेंट है। सबसे पहले क्या किया, ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड किया, चेक किया कि वो ऑक्सीडेशन नंबर अजूल फजूल तो नहीं आ रहा, तो समझ लेना पक्का परोक्सी बॉन्ड प्रेजेंट है। अभी अजूल फजूल क्या है, अजूल फजूल का मतलब है कि उस एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर की जो रेंज है मिनिमम से मैक्सिमम में ना हो, तो अजूल फजूल हुआ ना भाई, कोई चीज उसकी रेंज में ही नहीं आ रही तो अजूल फजूल हुआ। देखो अजूल फजूल का मतलब और क्लियर कर देता हूँ। अब देखो मान लो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, बचे कितने, 5। अब देखो अब ये स्टेबल होने के लिए 5 है ना, या तो ये 5 इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है या फिर 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए तो 8 हो जाएंगे ना, फिर स्टेबल हो जाएगा, तो 5 निकाल देगा, लॉस ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन, तो इसको क्या आ जाएगी, प्लस 5 ऑक्सीडेशन, मैक्सिमम 5 निकाल सकता है और मिनिमम इसको या फिर 3 ले सकता है तो भी 8 हो जाएंगे, 3 ले लिए तो 3 लेने का मतलब गेन ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन, मतलब -3। तो नाइट्रोजन की मैक्सिमम से मिनिमम रेंज क्या हो गई, +5 से -3, ठीक है। इसी तरह एक एग्जांपल सल्फर देख लो आप, सल्फर है एटॉमिक नंबर 8, पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, बचे कितने, 6। अब 6 में 2 और ले लिए, 2 इलेक्ट्रॉन और मिल जाए तो या फिर 8 हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएगा, या फिर 6 के 6 निकाल दे तो भी स्टेबल हो जाएगा, तो गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन -2 या लॉस ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन +6 दोनों केस में स्टेबल हो सकता है, तो मिनिमम से मैक्सिमम रेंज क्या हो गई, -2 से +6। नाइट्रोजन के लिए क्या थी, -3 से +5, और सल्फर के लिए -2 से +6। ऐसे किसी भी एलिमेंट के लिए आप देख सकते हो। तो जो चीज मान लो नाइट्रोजन के केस में -3 से +5 के बीच इसका ऑक्सीडेशन नंबर नहीं आया किसी कंपाउंड का, तो और कुछ आ गया तो अजूल फजूल ना हुआ ना वो। इसी तरह अजूल फजूल का मतलब है कि उसकी रेंज में ना हो, ठीक है। सीधा सा क्या करना है, उस कंपाउंड में सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, यदि वो अजूल फजूल आ जाए तो पक्का समझ लेना परोक्सी बॉन्ड प्रेजेंट है, हमें कुछ करना ही नहीं। और चलो अब इस चीज को है क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं। मान लो कोई भी आपको एक ऐसा क्वेश्चन मिल गया कि जैसे क्वेश्चन क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स परोक्सी बॉन्ड इज प्रेजेंट। पहला ऑप्शन है ए H2S2O8, बी है H2S2O7, सी ऑप्शन दे रखा है H2S2O6, डी दे रखा है HNO4, या कोई और भी दे सकता है, EFG कुछ भी दे सकता है, कितने बना लो। देखो भाई इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए दो मेथड होंगे, क्या होंगे, पहला तो अब देखो कोई भी कंपाउंड है, परोक्सी बॉन्ड कैसे पता लगेगा,
यदि हमें उसकी स्ट्रक्चर कोई बनाना सिखा दे या हमें कोई स्ट्रक्चर बनी बनाई दे दे तो हम तो देख तो सकते हैं ना, भगवान ने आंखें दी हैं तो हम देख के बना देंगे परोक्ष बॉन्ड है या नहीं भाई। अब इसके लिए तो मुझे स्ट्रक्चर का नॉलेज होना चाहिए, वेरी चैलेंजिंग टास्क है, हर बंदे को स्ट्रक्चर बनानी आती है जरूरी तो नहीं। तो पहला ऑप्शन मेरे लिए कैंसिल हो गया, तो मैं क्या करूँगा, दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, अपने पास क्या है, वालिया का जुगाड़ है ना, मेथड नंबर टू वालिया का जुगाड़। क्या करना है, किसी भी कंपाउंड में परोक्षी देखना है तो बस ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करो और चेक कर लो रेंज में है या नहीं, यदि वो रेंज में लाई कर रहा है तो परोक्षी बॉन्ड नहीं होगा, यदि अजूल फजूल आ गया मतलब नॉट लाइज ऑन रेंज इसका मतलब पक्का परोक्षी बॉन्ड प्रेजेंट है। करते हैं अब सिस्टर, अब देखो पहला ऑप्शन क्या है अपने पास क्वेश्चन में, H2S2O8 परोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड का नाम होता है और H2S2O8 को मार्शल्स एसिड भी हम बोलते हैं। अब देखो इस कंपाउंड में हमें पता करना है कि परोक्सी बॉन्ड है या नहीं, मैं क्या करूंगा सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लूं, सेंट्रल एटम क्या है सल्फर दिख रहा है बीच में, निकाल लेते हैं, कैसे निकालेंगे, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस वन, कितना हाइड्रोजन है टू, तो टू इंटू प्लस वन प्लस टू क्या है नंबर ऑफ सल्फर एटम्स, कितना है टू, सल्फर ऑक्सीडेशन नंबर मेरे को निकालना है इंटू एक्स प्लस एट ऑक्सीजन एट, और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना माइनस टू, तो एट इंटू माइनस टू इक्वल टू जीरो, तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया प्लस सेवन। अब मेरे को तो पता है कि सल्फर की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितनी हो सकती है प्लस सिक्स, प्लस सिक्स हो सकती है ना, छह ही तो करेगा लूज, तो अब देखो रियलाइज रेंज में नहीं आया तो इसका मतलब क्या है इस कंपाउंड में पक्का परोक्सी बॉन्ड प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब देखो इसी का मैं स्ट्रक्चर बना के देखना चाहूँ भाई, क्लियर तो कर लें जो हम बोल रहे हैं बात सच भी है या नहीं। अब देखो H2S2O8 का स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ कर लिया, HOS डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O O और O, देखो O और O के बीच में परोक्सी बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नजर आ रहे हैं। ठीक है, अब देखो इनके अगल बगल क्या है सल्फर, और जबकि हमें पता ही है ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन सल्फर, तो पक्का ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच ये परोक्सी बॉन्ड है। अब देखो अगला ऑप्शन अपने पास क्या है, H2S2O7 पाइरोसल्फ्यूरिक एसिड, वही काम करेंगे अपन, तो सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकाला कितना है टू इंटू प्लस वन प्लस टू इंटू एक्स प्लस सेवन इंटू माइनस टू इक्वल टू जीरो, तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया प्लस सिक्स, और सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रहे ना, और मैक्सिमम प्लस सिक्स हो सकता है, बराबर आ गया, अजूल फजूल नहीं आया तो कोई परोक्सी बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, अजूल फजूल आता है तभी तो परोक्सी बॉन्ड होता। अब देखो यही बात फिर से हम क्लियर कर लेते हैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करके, देखो HOS डबल बॉन्ड O और एक ऑक्सीजन, देखो पहले क्या था H2S2O8 और अब क्या है H2S2O7, एक ऑक्सीजन कम हो गया, कौन सा वाला कम हुआ, ये परोक्सी बॉन्ड वाला कम हुआ, मतलब परोक्सी बॉन्ड हट गया, स्ट्रक्चर से हमें दिख रहा है कि कोई परोक्सी बॉन्ड नहीं है इस कंपाउंड में। अब देखो अगला ऑप्शन क्या है H2S2O6 डाइथायोनिक एसिड बोलते हैं इसे, अगेन सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर वन फाइंड कर लेंगे, टू इंटू प्लस वन प्लस टू इंटू एक्स प्लस सिक्स इंटू माइनस टू इक्वल टू जीरो, एक्स का वैल्यू कितना आ गया प्लस फाइव, अब मैक्सिमम कितना हो सकता है सल्फर का प्लस सिक्स, तो एक रेंज में ये लाई कर रहा है माइनस टू से प्लस सिक्स वाली रेंज में, तो कोई परोक्सी बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, अगेन स्ट्रक्चर से भी आप देख रहे हो कि स्ट्रक्चर में भी कोई परोक्सी बॉन्ड नजर नहीं आ रहा। अब देखो लास्ट ऑप्शन क्या है HNO4 परोक्सी नाइट्रिक एसिड इसे बोलते हैं, अगेन सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे कितना है, एक हाइड्रोजन वन प्लस नाइट्रोजन एक है एक्स, एक्स मान लिया प्लस फोर कितने ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एक का कितना होता है माइनस टू, तो फोर इंटू माइनस टू इक्वल टू जीरो, तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया प्लस सेवन, और जबकि हमें तो पता ही है नाइट्रोजन का रेंज क्या है माइनस थ्री से प्लस फाइव, और यहाँ तो प्लस सेवन आ रहा है भैया, मतलब क्या है अजूल फजूल आ गया, मतलब परोक्सी बॉन्ड प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो स्ट्रक्चर हम देख ही रहे हैं नीचे, एक परोक्सी बॉन्ड हमें नजर आ रहा है HNO4 परोक्सी नाइट्रिक एसिड में, तो इस तरह से हम किसी भी कंपाउंड का परोक्सी बॉन्ड पता कर सकते हैं जस्ट ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करके, हमें स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है। IIT JEE में बेहतरीन सवाल ये पूछा जा सकता है, मल्टीपल का बहुत बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है ये, आपको चारों ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे, AIPMT मेंस किसी भी कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी तो जैसे इसमें तो कितने तीन ऑप्शंस में परोक्सी बॉन्ड, कितने दो में, दो ऑप्शंस में परोक्सी बॉन्ड था, यदि एक में जाता तो सिंगल बन जाता, अब इसमें दो में आ गए तो मल्टीपल का अच्छा क्वेश्चन बन गया,
तो इस तरह से आप आसानी से पता कर सकते हैं कि पेरोक्सीमोन है या नहीं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये बेहतरीन ट्रिक पसंद आई होगी, इससे आप किसी भी कंपाउंड में पेरोक्सीमोन आसानी से ढूंढ सकते हैं। ये बहुत अच्छा मेथड है, ठीक है। तो अब यदि आपको कोई भी ऐसे केमिस्ट्री के किसी भी टॉपिक में आपको डाउट हो या कोई पर्टिकुलर टॉपिक में आपको टिप्स या ट्रिक्स की ज़रूरत हो तो प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट बॉक्स, मैं आपकी इसी तरह प्रेजेंटेशन बना के हेल्प करूँगा। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज अपन इस वीडियो में सीखेंगे कि ट्रिक टू फाइंड द नंबर ऑफ पेरोक्सीमोन। देखो, मैं आपको एक ऑलरेडी ट्रिक बता चुका हूँ कि किसी भी कंपाउंड में पेरोक्सीमोन कैसे फाइंड करनी है, आप चेक कर सकते हो द नेम ऑफ दिस वीडियो, ट्रिक टू फाइंड द पेरोक्सीमोन बाय अनिरुद्ध वालिया। ठीक है, इस वीडियो में अपन सीखेंगे कि नंबर ऑफ पेरोक्सीमोन कैसे फाइंड करें। उस वीडियो में क्या सीखा था कि किसी भी कोई भी आपको तीन चार कंपाउंड दे दिए और पता बताओ कि पेरोक्सीमोन है या नहीं उस कंपाउंड में, उसकी मैंने एक आपको ट्रिक बता दी थी उस वीडियो में। उसमें क्या, अब इस वीडियो में क्या सीखने वाले हैं कि नंबर ऑफ पेरोक्सीमोन कितने हैं। ये तो पता कर लिया कि पेरोक्सीमोन है या नहीं, कंफर्म कर लिया किसी भी कंपाउंड में। अब ये कोई पूछ ले कि भाई है कितने, उसमें नंबर ऑफ पेरोक्सीमोन है कितने, तो उस चीज़ को बताने के लिए इस वीडियो को आप देखिएगा, ठीक है। तो अब जैसे कोई भी पूछ ले H2S2O5, कैरोज एसिड बोलते हैं, CrO5, H2S2O8, बहुत सारे कंपाउंड दे दिए, अब पूछ लेगी पेरोक्सीमोन बताओ, नंबर ऑफ पेरोक्सीमोन बताओ, कैसे करेंगे। देखो, दो केस बनते हैं। पहला केस, सिंगल सेंट्रल एटम, जब सेंट्रल एटम सिंगल हो, जैसे देखो सेंट्रल एटम है, नाम ऑफ दिस कंपाउंड इज H2SO5, कैरोज एसिड बोलते हैं, या यूं कोई बोल दे CrO5, जैसे सिंगल सेंट्रल एटम है, तो इनमें क्या होगी ट्रिक। इसके लिए ट्रिक आप ध्यान से देखना, इसके लिए ट्रिक है ये, यदि नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल एटम यदि ग्रेटर देन मैक्सिमम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर आ जाए तो नंबर ऑफ पेरोक्सीबोन इसमें क्या हो जाएंगे, कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन नंबर जो आपने कैलकुलेट किया है माइनस मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अभी देखो एग्जांपल से समझते हैं, ये एक फॉर्मूला है, ठीक है। अब कैसे, वही एग्जांपल ले लें, H2SO5, नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज कैरोज एसिड, नाम से भी कोई पूछ ले कि कैरोज एसिड में नंबर ऑफ पेरोक्सीबोन बताओ है या नहीं। सबसे पहले तो क्या, पहले चेक कर लेते हैं, इसका सेंट्रल एटम सल्फर है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कर लेते हैं। 2 × 1 सल्फर को एक्स मान लिया, प्लस 5 ऑक्सीजन है, 1 − 2 = 0, तो एक्स का वैल्यू अपने पास कितना आ गया, प्लस 8, और सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो सकता है, प्लस 6। अब देखो कैलकुलेटेड कितना है अपने पास सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर, 8, और मैक्सिमम कितना है, प्लस 6, 8 6 से बड़ा है, ग्रेटर देन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर। और ये इसमें पेरोक्सीबोन होगा या नहीं होगा वो अपन लास्ट वीडियो में सीख ही लिया है, बिल्कुल होगा, ठीक है। चलो एक बार फिर बता देता हूँ जिसने वो वीडियो नहीं देखी, जब भी किसी का भी अजूल फजूल ऑक्सीडेशन नंबर आ जाए ना, उसकी रेंज में ना हो, मैक्सिमम और माइनस की रेंज में ना हो, इट मीन्स पेरोक्सीबोन इज प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर कंपाउंड। तो इसमें नंबर ऑफ पेरोक्सीबोन कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ पेरोक्सीबोन कैलकुलेटेड कितना है, 8 जो आपने कैलकुलेट किया है, और मैक्सिमम कितना हो सकता है, 6, 8 − 6 / 2, दैट इज 1, तो नंबर ऑफ पेरोक्सीबोन इन दैट कंपाउंड इज 1। अब देखो उसका स्ट्रक्चर भी बना लेते हैं, क्या होगा, S(OO)O(H), ये जो बॉन्ड है ना ये पेरोक्सी बॉन्ड है, ये कौन सा बॉन्ड है, पेरोक्सी बॉन्ड। स्ट्रक्चर का किसी को नॉलेज ना हो, देखो स्ट्रक्चर बनाना आता हो तो वेल एंड गुड है भाई, इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता, स्ट्रक्चर बनाओ देख लो कि पेरोक्सीबोन है या नहीं और ये भी पता लग जाए कितने हैं। अब जिसको नहीं आता तो उसको तो ट्रिक की जरूरत पड़ेगी ना यार, और स्ट्रक्चर बनाना भाई बहुत आसान खेल नहीं है कि आपको इतनी सारी स्ट्रक्चर्स पता हों, नॉलेज हो, तो अपन ट्रिक से हर काम कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, CrO5 बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है इसका, देखो ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं एक्स माइनस, मतलब 5 × −2 = 0, तो एक्स का कितना आ गया, प्लस 10 वैल्यू आ गया क्रोमियम का, और क्रोमियम का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो सकता है, प्लस 6, 10 6 से बड़ा है, तो नंबर ऑफ पेरोक्सीबोन कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ पी भी लिख रहा हूँ पेरोक्सीबोन
10 माइनस 6 बाय 2, दैट इज 2. ओके, अब देखो इसका स्ट्रक्चर और बना देता हूँ आपके लिए. CR डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन ऑक्सीजन दैट ऑक्सीजन दैट ऑक्सीजन दैट ऑक्सीजन. बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर. ठीक है, ये देखो परोक्सी बोन दिखाऊं मैं आपको, किसी को नहीं दिख रहे हो तो. वन परोक्सी बोन दैट परोक्सी बोन, तो नंबर ऑफ परोक्सी बोन्स कितने हो गए, टू. इस ट्रिक से भी कितना आ रहा है, विद द ट्रिक टू. तो जब भी सिंगल सेंट्रल एटम होगा तो परोक्सी बोन के लिए कैसे कर लेंगे, कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन नंबर माइनस मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर डिवाइडेड बाई टू. क्लियर, नंबर ऑफ परोक्सी बोन फाइंड कर लिया. सर ये तो सिंगल सेंट्रल एटम है, एक से ज़्यादा सेंट्रल एटम हो तो, मतलब मल्टी सेंट्रल एटम हो तो. बिल्कुल भाई, उसकी बताऊंगा, क्यों टेंशन ले रहे हो. चलो देखते हैं उसके लिए क्या करना है अपन को. ओके, ये वो है केस टू. ठीक है, आइडेंटिकल सेंट्रल एटम, एक जैसे एक से ज़्यादा सेंट्रल एटम आ गए. जैसे कि कोई भी आप एग्जांपल ले लो, जैसे मैंने बोल दिया H2S2O8. देखो दो सल्फर हैं और आइडेंटिकल हैं, एक से ज़्यादा है, दो हैं और आइडेंटिकल हैं. तो उस केस में क्या करना है, H2S2O8 के केस में, उसमें नंबर ऑफ परोक्सी बॉन्ड कितने हो जाएंगे, कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन नंबर माइनस मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर, इसमें डिवाइडेड बाई टू नहीं करना. क्लियर ये बात, चलो एक बार करके देख लेते हैं. ग्रेटर देन हो तो ये हो जाएगा, और लेस देन या बराबर हुआ मैक्सिमम के तो परोक्सी बॉन्ड होंगे ही नहीं, नो परोक्सी बॉन्ड. ये भी एग्जाम्पल बताता हूँ आपको, देखो पहले एग्जाम्पल लेते हैं H2S2O8. सेंट्रल एटम अगेन सल्फर है, पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, कैलकुलेट कर लो, 2 × +1 + 2x + 8 × −2 दैट इज 0. तो x का वैल्यू कितना आ गया, +7. और सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो सकता है, +6. क्लियर ये बात, ठीक है भाई. और मल्टी सेंट्रल एटम है ये, तो नंबर ऑफ परोक्सी बॉन्ड कितने हो जाएंगे, कैलकुलेटेड माइनस मैक्सिमम. तो नंबर ऑफ परोक्सी बॉन्ड कितने हो गए, कैलकुलेटेड कितना है, 7, और मैक्सिमम कितना है, 6. वन परोक्सी बॉन्ड होता है इसके अंदर, वन. कैसे, अब देखो मैं जिसको स्ट्रक्चर का नॉलेज है स्ट्रक्चर से जाओ, मैं इसका बना के आपको क्लैरिफाई कर देता हूँ हाँ कि मैं सही बात बोल रहा हूँ. ठीक है, ये देखो इसमें कितना हो गया, नंबर ऑफ परोक्सी बॉन्ड 1. ये जो है परोक्सी बॉन्ड है, पीबी परोक्सी बॉन्ड. तो एक परोक्सी बॉन्ड दिख रहा है, एक परोक्सी बॉन्ड आपको दिख रहा है, तो कितना परोक्सी बॉन्ड हो गया इसमें, एक. क्लियर ये बात. एक और एग्जांपल ले लें आपके लिए, ले लेते हैं H2S2O7 ले लें. अब देखो अगेन सेंट्रल एटम देख लें अपन, मल्टी सेंट्रल एटम है और आइडेंटिकल है, तो 2 × +1 + 2 × x + 7 × −2 = 0. तो x का वैल्यू कितना आ गया, +6. और सल्फर का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, +6. तो परोक्सी बॉन्ड होगा या नहीं होगा, चेक कर लेते हैं. ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल एटम इज लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर, नो परोक्सी बॉन्ड. तो इसमें कोई परोक्सी बॉन्ड नहीं होगा, नो परोक्सी बॉन्ड. ठीक है, स्ट्रक्चर बना लें, क्लियर कर लें. ये इसका स्ट्रक्चर है H2S2O7 का, कोई परोक्सी बॉन्ड नहीं है इसमें, स्ट्रक्चर में भी हमें दिख रहा है और यहाँ फॉर्मूले से भी, अपने ट्रिक से भी आ रहा है. क्लियर, ये दो चीज़ अपन को बस याद रखनी है कि आइडेंटिकल सेंट्रल एटम होंगे, ज़्यादा आएगा सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर तो कैलकुलेटेड माइनस ऑक्सीडेशन नंबर, लेस देन होगा तो नो परोक्सी बॉन्ड. एंड केस टू, सिंगल सेंट्रल एटम, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम ग्रेटर देन मैक्सिमम, तो कैलकुलेटेड माइनस ऑक्सीडेशन नंबर डिवाइडेड बाई टू. देखो वो वीडियो जब आपने देखना कि ट्रिक टू फाइंड द परोक्सी बॉन्ड बाय अनिरुद्ध वालिया, उसमें जो कंपाउंड्स है ना, जो 3-4 मैंने आपको लेके समझाए हैं, उसमें आप एक बार वेरीफाई कर लेना चाहिए फॉर्मूला लगा के, परोक्सी बॉन्ड कितने हैं, बिल्कुल सही आएगा. चलो एक एग्जांपल वो लेता हूँ आपके लिए, उसी वीडियो के एग्जांपल ले रहा हूँ, HNO4 परोक्सी नाइट्रिक एसिड बोलते हैं इसे, परोक्सी नाइट्रिक एसिड. देखो नाम किसी को नहीं पता हो तो
लिख बता दिया मैंने, देखो नाम में आ रहा है परोक्सी, मतलब परोक्सी बॉन्ड पक्का होगा, पर हमें क्या लगता है, हमें तो पता नहीं ना, कैलकुलेट कर लेते हैं। HNO4 ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, सेंट्रल एटम वन है, सिंगल है, वो भी नाइट्रोजन है, 1 + x + 4 × −2 = 0, देन x का वैल्यू +7, क्लियर ये बात। हाँ, नाइट्रोजन का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो सकता है, +5। अब देखो कैलकुलेटेड कितना है, +7, सिंगल सेंट्रल एटम है, तो नंबर ऑफ परोक्सीबोन कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ परोक्सीबोन PB कैलकुलेटेड माइनस मैक्सिमम डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 1। अब देखो स्ट्रक्चर और बना देता हूँ इसके लिए आपके लिए, N डबल बॉन्ड O, दिस O, देन O, देन है, देख लो HNO4, और ये जो बॉन्ड है ना पर ऑक्सी बॉन्ड, क्लियर ये बात। पर ऑक्सी बॉन्ड फाइन करने आ गए अपन को, देखो पर ऑक्सी बॉन्ड फाइन करना तो अपन ने उसी ट्रिक में सीख लिया था, इसमें अपन ने क्या सीखा, नंबर ऑफ पर ऑक्सी बॉन्ड कैसे फाइन करते हैं, क्लियर है सबको, कोई डाउट नहीं। कंपटीशन में बिल्कुल आते हैं प्रॉब्लम्स, बिल्कुल ही बिल्कुल आएंगे, हर प्रॉब्लम हर कंपटीशन एग्जाम्स में पक्का पूछेगा परोक्सीबोन फाइंड, फेवरेट सवाल है यार, अक्सर पूछे जाते हैं। ट्रिक हो गई अपने पास, कोई दिक्कत ही नहीं है, आसान कर दिया आपके लिए, ठीक है, फटाफट रिवाइज कर लें। फाइंड द नंबर ऑफ द परोक्सीबोन, सिंगल सेंट्रल एटम है, ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा आएगा सेंट्रल एटम का मैक्सिमम से, नंबर ऑफ परोक्सीबोन कैलकुलेटेड माइनस मैक्सिमम डिवाइडेड बाई 2, सेम। हाँ एक और बात, यदि इसमें सेम आ जाता है, दोनों बराबर हैं, तो परोक्सीबोन नहीं होगा, क्लियर ये बात, मतलब कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम इक्वल टू मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर, देन नो परोक्सीबोन, क्लियर। केस टू क्या होगा, आइडेंटिकल सेंट्रल एटम्स, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल एटम ग्रेटर देन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर, देन नंबर ऑफ परोक्सी लिंकेज विल बी कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन नंबर माइनस मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर, और लेस देन या बराबर हो तो नो परोक्सीबोन, क्लियर ये बात, तो क्लियर है। ट्रिक मैंने सीख लिया, आई होप सबको मजा आया होगा इस ट्रिक में, किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं रही होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड हाँ इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। तो आज अपन इस लेक्चर में सीखेंगे कि बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करने की ट्रिक क्या है, ठीक है, तो पहले सीख लेते हैं बॉन्ड ऑर्डर होता क्या है। बेसिकली क्या होता है, ये कोई भी पेयर ऑफ एटम्स के बीच में कितने केमिकल बॉन्ड्स हैं, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ द केमिकल बॉन्ड बिटवीन से बिटवीन ए पेयर ऑफ एटम्स, ठीक है भाई, बॉन्ड ऑर्डर समझ में आ गया हमें। अरे यार अपने काम की बात क्या है, ट्रिक बताओ यार, इसके लिए वीडियो देख रहे हैं, बॉन्ड ऑर्डर वॉन्ड ऑर्डर तो पता है यार। अब देखो बॉन्ड ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं, केमिकल बॉन्डिंग में हम कैसे बढ़ाते हैं, MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, उसमें बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, हाफ ऑफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, फिर वो एनर्जी एनर्जी का कुछ डायग्राम वाइग्राम बनाते हैं, फिर भरते हैं फिलिंग करके, फिर देखते हैं बॉन्ड ऑर्डर कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, एंटी बॉन्डिंग कितने हैं, फिर बॉन्ड ऑर्डर लिखते हैं। भाई इतना टाइम नहीं अपने पास, ना इतनी मेहनत करने वाले हम तो भैया ट्रिक में विश्वास रखते हैं, ट्रिक सीख लें सारे बॉन्ड ऑर्डर के सवाल कर देंगे खटाक से। चलो सीखते हैं क्या है ट्रिक, देखो भाई ट्रिक दिखाते हैं आपको, ये है ट्रिक अपनी, क्या है ये 14, 15, 16, 18, 20 एंड 8 से लेकर ये 20 तक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, 8 से लेकर 20 तक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इनके कॉरस्पॉन्डिंग बॉन्ड ऑर्डर तुरंत ट्रिक है, क्या है, सिर्फ आप ये पता कर लो, देखो 14 का बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है, अब इधर भी 0.5 घटाते जाओ और इधर भी 0.5 घटाते जाओ, सबके बॉन्ड ऑर्डर आ जाएंगे, कैसे, तो इसका कितना हो गया 0.5 माइनस 2.5 2.0 1.5 1.5 एंड 0, इधर भी 0.5 घटाओ 2.5, ये कितना हो गया 2, ये कितना हो गया 1.5, ये कितना हो गया 1, ये कितना हो गया 0.5, और ये कितना हो गया 0। जो भी ये ब्लैक पेन से लिखे हैं ना, ये सारे क्या है बॉन्ड ऑर्डर, और ये ब्लू पेन से जो लिखा है 8 से लेकर 20 तक, ये क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे टोटल, ठीक है, बस आप एक याद रख लो कि 14 जब इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग बॉन्ड ऑर्डर होगा 3, ये सब क्या है बॉन्ड ऑर्डर, BO से नोटेशन दे रहे हैं, ये भी बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है, ये याद रख लो, और सब 0.5 0.5 सब्ट्रैक्ट करके जाना, सबका बॉन्ड ऑर्डर पता लग जाएगा, ठीक है। डाई एटोमिक
मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके लिए ट्रिक है स्पेशली, ठीक है, जैसे F2, N2, Cl2, O2, N2 प्लस, ये सब, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होने चाहिए, 8 से 20 तक के बीच में होंगे, तुरंत आप ट्रिक से कर दोगे। अब देखिए कैसे, एक दो एग्जांपल तो करके देख लें। CO कार्बन मोनोऑक्साइड 6 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन में 8, टोटल कितने हो गए 14, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 14, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14 के कॉरस्पॉन्डिंग बॉन्ड ऑर्डर कितना 3, तो कार्बन मोनोऑक्साइड का बॉन्ड ऑर्डर होता है 3। बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया, इनके बीच में नंबर ऑफ केमिकल बॉन्ड्स कितने हैं। अब N2 का मैं बात करूं, एक N में कितना 7, N2 मतलब 14, अगेन 14 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं तो बॉन्ड ऑर्डर कितना 3। N2 प्लस की बात करूं, 14 प्लस चार्ज आ रहा है मतलब एक इलेक्ट्रॉन गया होगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने 13, एंड 13 के कॉरस्पॉन्डिंग 2.5, बॉन्ड ऑर्डर इज 2.5, ठीक है। N2 माइनस 7 टू 14 माइनस चार्ज मतलब एक इलेक्ट्रॉन आया होगा, मतलब 14 1 प्लस मतलब 15, एंड 15 का बॉन्ड ऑर्डर 2.5। N2 माइनस 2, अब देखो 7 टू 14 माइनस 2 चार्ज मतलब दो इलेक्ट्रॉन्स आए होंगे, प्लस 2 कितने होंगे 16, 16 का बॉन्ड ऑर्डर कितना 2। O2 8 टू 16, ऑक्सीजन ऐसे ही तो लिखे होते हैं, 8 टू 16, बॉन्ड ऑर्डर कितना 2। F2 9 टू 18, बॉन्ड ऑर्डर 1। देखो बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करना कितना आसान हो गया, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स आपको पता है टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं तो आपने तुरंत बॉन्ड ऑर्डर फाइंड कर लिया। अब देखो जब भी देखो बॉन्ड ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शनल, जीरो भी हो सकता है, ठीक है। जब भी बॉन्ड ऑर्डर नेगेटिव या जीरो होगा इट मीन्स दैट मॉलिक्यूल डजंट एग्जिस्ट, मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करता। जैसे Be2 बॉन्ड ऑर्डर जीरो होता है उसका, वो मॉलिक्यूल ही एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। और एक दो प्रॉब्लम्स करते हैं अपन, ये देखो ये वाली प्रॉब्लम बताओ, इसका एग्जाम आंसर बताओ मेरे को। O2 पे माइनस 2 चार्ज है, O2 मतलब 16, A2 16, माइनस 2 चार्ज मतलब दो इलेक्ट्रॉन्स आए होंगे 18, 18 के कॉरस्पॉन्डिंग बॉन्ड ऑर्डर 1। O2 प्लस का बताओ, A2 16, प्लस चार्ज मतलब एक इलेक्ट्रॉन गया होगा तो माइनस कितना हो गया 15, 15 का बॉन्ड ऑर्डर 2.5। O2 माइनस 8 टू 16, नेगेटिव चार्ज है मतलब एक इलेक्ट्रॉन आया होगा, प्लस 1 17, बॉन्ड ऑर्डर 1.5, क्लियर। बॉन्ड ऑर्डर निकालना कितना आसान हो गया हमारे लिए। एक प्रॉब्लम करते हैं अब, द स्पीशीज हैविंग द बॉन्ड ऑर्डर डिफरेंट फ्रॉम द कार्बन मोनोऑक्साइड इज, चार ऑप्शन है आपके पास, इसमें से हमें बताना है कि वो कौन सा कंपाउंड है जिसका बॉन्ड ऑर्डर कार्बन मोनोऑक्साइड से डिफरेंट है। देखो ये क्वेश्चन आ गया, मान लो कंपटीशन एग्जाम में आ गया, क्या करोगे, बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करने के लिए MOT थ्योरी लगाओगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाओगे, पहले तो कार्बन मोनोऑक्साइड का बनाओगे, फिर इन चारों का बनाओगे। 3 घंटे में एक प्रॉब्लम करनी है, चारों ही करनी है, एक ही करनी है लगता है आपको तो, नहीं हमें तो सारी करनी है। कैसे करेंगे, ट्रिक है ना यार हमारे पास, लगा देते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड बॉन्ड ऑर्डर क्या है 6, ये 8 कितने हो गए इलेक्ट्रॉन्स टोटल 14, 14 का बॉन्ड ऑर्डर कितना सबको पता है 3, ठीक है। इन सब का भी बॉन्ड ऑर्डर हम निकाल लें क्योंकि हमारे पास तो ट्रिक है। ए ऑप्शन लेते हैं, क्या है NO+, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, प्लस चार्ज मतलब एक इलेक्ट्रॉन गया होगा, 8 7 15, माइनस 1 कितना 14, 14 का बॉन्ड ऑर्डर 3, ठीक है। बी ऑप्शन क्या बोलते हैं, साइनाइड है, कार्बन कितना 6, नाइट्रोजन कितना 7, नेगेटिव चार्ज मतलब प्लस 1, 13 प्लस 1 14, अगेन बॉन्ड ऑर्डर 3। ओ माय गॉड, आंसर नहीं मिल रहा हमें, मिलेगा ना यार। N2 14 इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्ड ऑर्डर कितना 3। डी ऑप्शन क्या है, NO-, नाइट्रोजन पे 7, ऑक्सीजन 8 इलेक्ट्रॉन्स, प्लस 1 मतलब एक इलेक्ट्रॉन, माइनस 1 मतलब एक इलेक्ट्रॉन आया होगा, 8 7 15, प्लस 1 16, 16 का बॉन्ड ऑर्डर 2। अब देखो कार्बन मोनोऑक्साइड का बॉन्ड ऑर्डर था 3, इसका भी 3, इसका भी 3, इसका भी 3। क्वेश्चन क्या पूछा था, वो स्पीशीज बताओ जिसका बॉन्ड ऑर्डर CO के अलावा है, कौन सा है वो ऑप्शन, तुरंत दिख रहा है 2, बाकी सबका तो 3 आ रहा है, इसी का ही तो लगाया। कितना टाइम लगा, एक मिनट भी नहीं लगा इस क्वेश्चन को करने में, क्लियर है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के पीछे की राज की बात हूँ, दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन IIT 2007 में पूछा गया था ये क्वेश्चन, IIT ने पूछा था ये क्वेश्चन, देख लो कितना आसान हो गया इस ट्रिक की हेल्प से क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं,
यार सर आपने ये तो बता दिया बॉन्ड ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं, जरूरी नहीं कि सर यार यही क्वेश्चन आए दोबारे, बिल्कुल नहीं आएगा ये क्वेश्चन, सर इसकी दो चार एप्लीकेशन बता दो। ठीक है तो यार वो भी बता देते हैं इससे रिलेटेड काम की सारी बातें। देखो यार बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करने का फ़ायदा क्या है हमें, क्या क्या फ़ायदे हैं देखो समझो। पहले बॉन्ड ऑर्डर मतलब उन मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ केमिकल बॉन्ड्स, बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा मतलब केमिकल बॉन्ड्स ज़्यादा, बॉन्ड्स ज़्यादा मतलब बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा। अब देखो यार एक बॉन्ड है, मान लो ये बॉन्ड है दो एटम्स के बीच में, इसको तोड़ने में आप आसानी से तोड़ दोगे, यहीं दो आ जाएं तोड़ने में ज़्यादा मेहनत लगेगी, तीन आ जाएं और ज़्यादा मेहनत लगेगी, तो बॉन्ड ऑर्डर जिसका जितना ज़्यादा उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा। क्लियर ये बात? तो बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ, और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ के। बॉन्ड ऑर्डर जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेस बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस। क्लियर? अभी क्वेश्चन करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ में इंक्रीज करना है, अरेंज करना है हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ये चार चार स्पीशीज दे रखी हैं, कैसे करें, सबका बॉन्ड ऑर्डर निकाल लो पहले। ठीक है सर निकाल लेते हैं, देखो कौन कौन सी स्पीशीज है, O2 है, O2 माइनस है, O2 प्लस है, O2 माइनस 2 है। O2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, इलेक्ट्रॉन्स बताओ पहले मेरे को, 17, इसमें कितने, 16, इसमें कितना, 15, इसमें कितना, 18, 17 का बॉन्ड ऑर्डर 1.5, 16 का कितना 2, 15 का कितना 2.5 एंड 18 का 1। ये तो बॉन्ड ऑर्डर हो गया, बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा उतनी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा, तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ भी ज़्यादा। क्लियर ये बात? क्लियर ये बात? तो ऑर्डर क्या हो जाएगा देख लो, सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका है, O2 प्लस का है, देन किसका है, O2 का है, देन किसका है, O2 माइनस एंड देन O2 माइनस 2। अब देख लो कौन सा ऑप्शन ये ऐसे मैच कर रहा है, टिंग टिंग टिंग, बी मैच कर रहा है, बी हो गया। अगेन ये प्रॉब्लम भी 2002 में पूछी गई थी, देख लो यार बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं बॉन्ड ऑर्डर में, हर साल हर कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। ट्रिक पता है यार, तुरंत कर लोगे, कितना टाइम लगा, एक मिनट से भी कम लगा होगा, एक मिनट लग गया होगा तो भी क्या दिक्कत है। ठीक है आगे बढ़ते हैं, वो तो IIT वालों ने, IEEE वालों ने, एम्स NET वालों, नीट वालों ने पूछ लिया, अब हम भी तो कुछ अपनी प्रॉब्लम्स बना लें। चलो करते हैं प्रॉब्लम। मैंने प्रॉब्लम पूछी है कि कंपेयर द बॉन्ड लेंथ ऑफ नाइट्रोजन नाइट्रोजन इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स, N2 है मतलब कितना 14, N2 प्लस मतलब कितना 13, इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा हूँ मैं अभी, ये कितना 15, N2 प्लस 2 मतलब कितना, दो इलेक्ट्रॉन्स चले गए 12, N2 माइनस 2 दो इलेक्ट्रॉन्स आ गए मतलब 16। इसके कॉरस्पॉन्डिंग बॉन्ड ऑर्डर लिख दो फटाफट। 14 का मेरे को पता है 3 होता है, तो 13 का कितना 0.5 माइनस कर दो 2.5, 15 का कितना अगेन 0.5 माइनस कर दो 2.5, 12 का कितना अगेन कितना 1 माइनस कर दो 2, और 16 का कितना 1 जोड़ दो मतलब 2। क्लियर? अब देखो बॉन्ड लेंथ पूछी है, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा मतलब बॉन्ड लेंथ कम, तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम होगा उसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी। ये बात क्लियर? ये बात समझने में किसी को दिक्कत? तो ऑर्डर अरेंज कर देते हैं फटाफट। देखो N2 माइनस 2 और इनकी तो बॉन्ड लेंथ बराबर, क्योंकि इन दोनों का बॉन्ड ऑर्डर बराबर। अब ज़्यादा किसकी होगी इसके बाद, इनकी N2 माइनस और बराबर N2 प्लस, क्योंकि इनका भी बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा, और जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा उसकी बॉन्ड लेंथ कम, तो N2 की बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी। ये क्या हो गया, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ। ठीक है एक और प्रॉब्लम, एक और मैंने इसका बी पार्ट दे दिया, सेम वही करना है, बॉन्ड लेंथ को अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, NO प्लस, NO माइनस, NO माइनस 2, NO प्लस 2, सबका बॉन्ड ऑर्डर निकाल लो यार, निकालना आता ही है, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। देखो नाइट्रोजन कितने 7, ऑक्सीजन कितना 8 मतलब कितना हो गया 15, ये कितना हो गया 14, ये कितना हो गया 16, ये कितना हो गया 15 और 2 17, और ये कितना हो गया 13। अब देखो 15 का बॉन्ड ऑर्डर कितना 2.5, 14 का कितना, 14 का तो यार याद ही रखना है, 14 का होता है 3 और बाकी सबका 0.5 माइनस करते चले जाओ, दिस इज 2, 17 में 1.5 एंड 13 में 2.5। क्लियर? बॉन्ड लेंथ में अरेंज करते हो, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा उसकी बॉन्ड लेंथ कम,
तो सबसे पीछे कौन आएगा? एनओ प्लस। और सबसे आगे कौन आएगा? 1.5 वाला मतलब एनओ माइनस टू। देन देख लो यार, टू वाला मतलब एनओ माइनस। देन देखो इसका और इसका सेम है, सेम लिख देंगे, एनओ प्लस टू बराबर एनओ। और ये अरेंज हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ। अब देखो यार कितना आसान हो गया हमारा काम बॉन्ड लेंथ की हेल्प से। और इसकी एप्लीकेशन भी तो कितनी सारी हैं, बॉन्ड लेंथ अरेंज करवा लेगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ पूछ लेगा, बॉन्ड ऑर्डर भी बहुत बार पूछा है आईआईटी ने भी, और दूसरे कंपटीशन एग्जाम्स में भी काफ़ी आए हैं। तो जस्ट विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रिक वी कैन फाइंड आउट द बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, 8 to 20 के बीच ही है, और मतलब कि डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए अक्सर यूज होता है। ठीक है, बस इसे करना है, 14 का 3 याद रखना है, बाकी इधर भी 0.5 माइनस करना है, इधर भी 0.5 माइनस करना है। और क्या है, बॉन्ड ऑर्डर जीरो मतलब जीरो या नेगेटिव हो तो दैट मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, ये सब तो अपने पास बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करने की ट्रिक। ठीक है, पसंद आई हो तो, मजे तो आपने लिए इस ट्रिक से, तो एक काम करो अपने दोस्तों को भी मजे लेने दो। तो क्या करना पड़ेगा, दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करनी पड़ेगी। तो करो यार, दोस्तों को भी मजे उठाने दो, तुमने सीख ली दोस्तों को भी सिखाओ ये ट्रिक। चलो मिलते हैं आगे, ओके बाय। तो दोस्तों कैसा लगा ये सारा का सारा कंपाइलेशन, जहां मैंने सारे वालिया के जुगाड़ को डिस्कस किया था। यदि ऐसा ही सेम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए भी चाहिए, जितने भी आज तक मैंने यूट्यूब पे वीडियोस डाली हैं, क्योंकि इधर उधर रहती हैं, एक ही जगह मिल जाए तो काम आसान हो जाता है। तो इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए भी चाहिए तो प्लीज जल्दी से बता देना, ताकि मैं सारा कंपाइलेशन इनऑर्गेनिक के जो ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट्स हैं, छोटे छोटे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको एक वीडियो में कंपाइल कर पाऊं और आप उसका आनंद ले पाए। चाहिए तो प्लीज कमेंट करके बताना। वंस अगेन बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नीट 2021, बस अब फोड़ कर आना है। आपने बहुत अच्छा अच्छा पढ़ रखा है, पी ब्लॉक वन शॉट बहुत फेमस है, एस ब्लॉक वन शॉट बहुत फेमस है, ऑर्गेनिक रिएजेंट्स, ये सारी बहुत ही वन शॉट वीडियो जितनी भी बनाई है, प्लीज आप उनको दोबारा देख लेना, नहीं देखा है अभी तक तो। और फिर मिलते हैं अपन पेपर में, और बेहतरीन धमाल मचाएंगे, उम्मीद है बहुत बढ़िया परफॉर्म करके आएंगे आप लोग, क्योंकि एग्जाम की तैयारी आपने बहुत अच्छे से की है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंटायर वीडियो, गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर।